वेलकम गाइस एंड डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पे मैं सुमन तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल और आपके चैनल पे डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पे, जहां पे बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ते रहते हैं। और आज बहुत ही क्वेरी आ रही थी डिजीज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और डिजीज़ तो हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे वो आप IAS लेवल का ले लीजिए या फिर एक SSC लेवल का ले लीजिए, सब में डिजीज पूछता है। डिजीज से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर रहता है, और उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जिससे कि डिजीज होते हैं उनके बारे में भी जरूर रहता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन ऐड हो रहा है हमारे साथ, और कुछ लोगों को ऐड हो जाने देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सबके साथ पढ़ेंगे। जरा सा मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ कौन कौन लाइव है। ओके, सो फोर पीपल। हेलो तान्या, गुड इवनिंग। बिल्कुल अलका यादव, गुड इवनिंग बेटा। रामलाल जी गुड इवनिंग, हाँ बिल्कुल गुड इवनिंग। आपने तो एकदम मेरे चैनल पे हंगामा मचा रखा है, जगह जगह आप ही के नाम की चर्चे हो रहे हैं और आप लगातार क्लासेस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार सारे क्लासेस कर रहे हैं, इनफैक्ट आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के कि आप लोग लगातार बने हुए हम लोग के साथ बने हुए हैं। अच्छा अभी क्विज़ भी चल रहा है, तो क्विज़ ख़त्म होते ही कुछ लोग और ऐड हो जाएंगे हम लोग के साथ। एक्चुअली क्विज़ भी इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब इनफैक्ट टीचर भी देखने लगते हैं तो उनको भी मन करने लगता है कि थोड़ा खेल ही लेते हैं क्विज़। बट ये आप सभी के लिए है, तो कोई भी क्विज़ खेल सकता है, इसलिए आप टेलीग्राम पर आके हम लोग से ऐड हो सकते हैं। क्विज़ को लगातार आप देख सकते हैं, और थोड़ा सब कुछ व्यवस्थित कर लेती हूँ ताकि आपके जितने भी मैसेज हो बाकी चीज़ें हमको दिखता रहे। कौन? बिल्कुल आयुषी सिंह, नमस्ते नमस्ते बेटा। नेक्स्ट ओके, रवि गुप्ता गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग। आयुषी सिंह ग्लैड टू सी यू मैम। ओह बेटा सभी को बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। आई एम फाइन आयुषी, आप सब भी अच्छे होंगे ये बिल्कुल आशा करते हैं। आंचल यादव ही मैम गुड इवनिंग बेटा। रामलाल प्लीज़ जल्दी स्टार्ट कीजिए चैप्टर। अरे बिल्कुल रामलाल जी, चैप्टर स्टार्ट होगा, आप उसकी टेंशन ना लें, चैप्टर स्टार्ट होगा। थोड़े और लोग को ऐड हो जाने देते हैं क्योंकि मैंने बताया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि आपके जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें डिजीज़ का बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि आप अपनी जो भी आपकी कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा तो डॉक्टर को देके आते हैं। और चूँकि यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जो आगे डॉक्टर बनने का सपना भी देख रहे होंगे, तो उनसे पूछिए तो वो जानते होंगे डिजीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। बादल पांडे जी गुड इवनिंग, बिल्कुल आदर्श यादव गुड इवनिंग। और हमारे संग कौन जुड़ रहा है? बिल्कुल मैम आपकी आवाज़ आ रही है पर वीडियो नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपको नेटवर्क चेक करिए तान्या, आप नेटवर्क चेक करिए और एक बार रिफ्रेश करिए, मेरी वीडियो भी आएगी और आवाज़ भी आएगा। रंजना मौर्य गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग रंजना। आदर्श यादव आ रहा है मैम, हाँ बिल्कुल आवाज़ भी आएगा और फेस भी दिखेगा। मैं बस वेट कर रही हूँ कुछ और लोग ऐड हो जाए, क्योंकि चैप्टर को बस ऐवे ही नहीं छोड़ देना है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं चाहती हूँ कि वो चैप्टर आप सभी का क्लियर हो जाए। दिख नहीं रहा है, बिल्कुल वीडियो नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो वीडियो दिख रहा है, मेरे सामने लैपटॉप भी ओपन है और मैंने लैपटॉप को सिस्टम को लगा रखा है ताकि आपकी चीज़ें जो है क्लियर है नहीं है ये सारी चीज़ें मैं देख सकूं। तो रवि जी बिल्कुल आप अपना देखिए एक बार नेटवर्क, आप लोग चेक कर लीजिए या रिफ्रेश एक बार कर लीजिए तो वीडियो क्लियर हो जाएगा।
अलेक्सा एलेक्स बिल्कुल, हाय अलेक्सा, विकास यादव दिख रहा है, ओके ओके। तो जल्दी जल्दी शेयर करिए और लाइक करिए ताकि और लोग भी ऐड हो सके हम लोग के साथ, और जितने लोग ऐड होंगे और भी अच्छा इंटरेस्टिंग बनेगा क्लास। आप जब आप सब और हम सब मिलके जब एक साथ खड़े होते हैं तो वहाँ पे क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं और कुछ आंसर मेरे होते हैं। तो सभी को शेयर करिए ताकि सभी आके ऐड हो सके। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नम्रता हेलो जी, एलेक्सा एलेक्स ओके मैम, हाँ बिल्कुल एलेक्सा जी। चलिए फिर मुझे लगता है कि स्टार्ट ही करना चाहिए क्योंकि हैं काफ़ी लोग हो गए हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जितने लोग भी ऐड हुए हैं तो आपसे एक तहे दिल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ में शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक मैंने जानबूझ के उठाया। पहले आप लोग की ये शिकायत थी कि बायोलॉजी भाई हम लोग नहीं पढ़ सकते, मैथ वाले हैं, कोई कहता था कुछ है कुछ है। तो अब ऐसे टॉपिक उठाए जाएंगे आपके लाइव क्लासेस में जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो ट्वेल्थ हो, एलेवेंथ हो, नाइन्थ हो, टेंथ हो, या फिर किसी IAS PCS किसी भी पेपर में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अनीता पांडे जी बिल्कुल, गुड इवनिंग मैम। जेम्स रॉबिन गुड इवनिंग, एमरी डिसूजा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए डिजीज, या इसको हम अपनी एक जनरल भाषा में कहते हैं रोग। तो डिजीज या रोग होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग डिजीज या रोग की बात करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपकी बॉडी काम करनी बंद कर दे, यानी एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो एन इलनेस, इलनेस ऑफ बॉडी इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन भी ले सकते हैं आप, एनिमल भी ले सकते हैं, प्लांट भी ले लीजिए। बट डिजीज ऐसा थोड़ी है कि आप ही को बस होगा, प्लांट में भी डिजीज होता है। तो ये जो आज अगर हम लोग एनिमल डिजीज पढ़ेंगे तो हो सके तो कल प्लांट डिजीज पढ़ लीजिएगा। ये डिजीज कोई एक पर्टिकुलर एनिमल में ही नहीं होता या पर्टिकुलर प्लांट में ही नहीं होता, ये डिजीज वो कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी काम करनी बंद हो जाती है। तो ऐसा मैंने लिखा है कि एन इलनेस ऑफ बॉडी इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी फिजिकली, मेंटली या सोशली वर्क नहीं कर रही है सही से तो आपको डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से कोई आके आपको एक झापड़ लगा दे तो आपके मुंह से पहला वर्ड क्या निकलता है, कभी आपने सोचा है? तो बिल्कुल कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, सुपर्ब। अनेबल टू सी योर वीडियो आंचल यादव, रिफ्रेश करिए आप लोग, बिल्कुल। मुलर सिंह गुड इवनिंग मैम, सॉरी थोड़ा लेट हो गए, कोई नहीं मुलर सिंह, गुड इवनिंग। रवि सर बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, नमस्ते आपको भी। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकांत जी बहुत सुंदर मैम, ओके थैंक यू। तो सबसे पहला वर्ड अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई अचानक से आके एक झापड़ देता है तो मुँह से निकलता है पागल हो क्या। पागल क्यों बोला हमने, क्योंकि हमारी मतलब उस इंसान का जो एक बिहेवियर है वो सोशल नहीं है, क्योंकि किसी से जान पहचान ना हो और आके झापड़ दे दे तो ये थोड़ा हम लोग को अनकंफर्टेबल लगता है। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं ये क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। सोशल सोशल वो इंसान मेंटली जो है कि ठीक नहीं है, यही हमारे दिमाग में आता है। तो ये क्या है, डिजीज है। तो डिजीज के भी कई टाइप होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डिजीज, डिजीज के भी कई टाइप होते हैं। वो कौन कौन से टाइप हैं देख लेते हैं हम लोग। आप इसको लिख सकते हैं कि शारीरिक मानसिक, हिंदी वाले भी सुन ले, शारीरिक मानसिक या सामाजिक तरीकों से इंसान जो है कि इंसान की तबीयत नहीं सही है या इंसान जो है कि दुखी हो या इंसान परेशान हो तो उसको हम लोग डिजीज का नाम दे देते हैं, यही है इसका मीनिंग। और अगर आप एक
जो है कि डेफिनेशन देना चाहे तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है कि एन इलनेस ऑफ बॉडी इन ह्यूमन, जो आपकी एक बीमारी है, मतलब आप मतलब कुछ भी आपकी प्रॉब्लम जो है शरीर से रिलेटेड, वो बिल्कुल ये हो जाती है क्या डिजीज। रंजना जी ने लिखा है कि डिजीज सभी जीवों पेड़ पौधे में होता है, बिल्कुल बिल्कुल, शायद नहीं बिल्कुल होता है, ये शायद क्या होता है, बिल्कुल होता है। तो ये देख लेते हैं हम लोग डिजीज के टाइप, मेनली अगर हम देखें तो 4 टाइप्स ऑफ डिजीज, और अगर ऐसे आप देखें तो 2 टाइप्स ऑफ डिजीज होता है, एक होता है कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। यानी कि एक होता है जो छुआ छूत की नाम दे देते हैं आप लोग कि छूने से फैल गया, या आपके बगल में कोई रह गया तो फैल गया, और एक होता है जो छूने से फैलता नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल कैसे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, वाटर से हो सकता है, हवा से हो सकता है, आप किसी इंसान का यूज़ किया हुआ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो डिजीज़ हो गया। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो किसी तरीके से हो सकता है, और ये डिजीज़ किससे फॉर्म होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इसको बताने से पहले थोड़ा बहुत जान जाते हैं, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ये हिंदी इंग्लिश में बता रही हूँ क्योंकि बहुतों की शिकायत होती है कि आप हिंदी नहीं बताती हैं, तो हिंदी में बता रही हूँ आज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव की जब हम बात करते हैं, एज लाइक रवि गुप्ता, एज लाइक कोरोना, बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना भी डिजीज है, मैं बताऊंगी कोरोना कैसे क्या है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सूक्ष्म जीव की, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट 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 सोन बाय नेकेड आई, अगर हम बात कर सकते हैं इसके, या नॉट सीन बाय नेकेड आई, ये लिख सकते हैं आप कि आपके जो आपकी आंखें खुली हैं मतलब विदाउट लेंस आप उसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है भाई सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म कि दिखे ना। तो ये सूक्ष्म जीव क्या आपके लिए सिर्फ हानिकारक होते हैं, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ हार्म पहुंचाते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट में, क्या ये सूक्ष्म जीव या आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हार्म ही पहुंचाते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं, या कुछ इनके फायदे भी होते हैं? मैंने आप ही लोग से पूछा है कमेंट बॉक्स में। नो मैम, आंचल यादव नो मैम, अच्छा यस, मतलब सिर्फ नुकसान पहुंचाते। रंजना मौर्या, बादल पांडे, नहीं बिल्कुल बादल पांडे जी, एमडी डिसूजा रियली लुकिंग सो गुड मैम। एमडी डिसूजा आप मेरे जो है कि फेस को देखने से अच्छा है स्टडी पे ध्यान दीजिए। आंचल यादव, दे ऑल्सो हेल्प ये इन मिथिंग, ओके। नेक्स्ट रामलाल, नो बिल्कुल, विकास यादव नो मैम, बादल पांडे फायदे भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी सही हैं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान नहीं होते हैं, हमको फायदे भी होते हैं। कैसे? जितने भी आप देखते हैं, जितने भी पनीर खाइए, चाहे मक्खन खाइए, चाहे दही खाइए, सब कुछ सूक्ष्म जीव ही तो बनाते हैं। इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन यूज़ करते हैं लाइक पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकसिन एंड जितने भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये सब कुछ कौन बनाता है? ये सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो बनाते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल नहीं होते, ये बेनिफिशियल भी होते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। हर सिंह, हर बार नहीं फायदे भी हैं, बिल्कुल हर सिंह। हेलो मैम, क्यूट किलर अवंतिका। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमने क्या बताया है कि जब भी बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ डिजीज की, तो देख लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो डिजीज होता है, ये सारे के सारे कम्युनिकेबल की बात कर रही हूँ मैं। नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है? ऐसे डिजीज जो फैलते नहीं है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे किसी को अगर किसी का गॉल ब्लैडर कट हो गया, जैसे किसी भी वजह से, मान लीजिए किसी के गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया और उसका गाल ब्लैडर किसी वजह से कट करना पड़ा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसके साथ जो बैठे हैं उनका भी गाल ब्लैडर हमको कट करना पड़े। तो ये डिजीज है, बट डिजीज इन द सेंस उसको तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? नॉन कम्युनिकेबल हो गया। और कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जैसे कि आपका अपना सर्दी जुकाम,
जो कि राइनो वायरस करता है। तो ये क्या है, ये तो बिन मांगे प्रसाद की तरह बढ़ता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम है और बगल में कोई बैठ गया तो उसको भी सर्दी जुकाम होना ही होना है। तो ये जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिजीज, अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है कमी से होने वाले रोग। तो कमी क्या, आपके न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाते हैं, आपके विटामिन्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, इसके अलावा प्रोटीन आ जाएगा। तो आज एक और टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे विटामिन वाला, क्योंकि विटामिन से भी आपके एक क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जानबूझ के इसको सेलेक्ट किया है ताकि आपके कम से कम दो चार क्वेश्चन तो फंसे ही, और आप भी बोले कि मैम ने अच्छा पढ़ाया है, नहीं तो पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा और पेपर के बाद आप मुझे डिसलाइक दे रहे हैं। तो साथ में डिसलाइक से याद आएगा, लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस फिर आ जाएगा आपका हेरिडिटरी, हेरिडिटरी या इसको एक और कह सकते हैं जेनेटिक। और लास्ट जो आ जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल। तो देख लीजिए ये चार जो टाइप है आपके कम्युनिकेबल के हैं। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़े बाल बाल बिगाड़ के आती हूँ ताकि आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई पे ज़्यादा रहे। देख लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज मतलब होता है कमी से होने वाले रोग, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब इन्फेक्शन से होने, वो इन्फेक्शन किसी से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, यानी इसके इस वाले में हम लोग को क्या पढ़ना है, थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो इन्फेक्शियस आपको दिख रहा है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है, इन्हीं की वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। और अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी जितने भी जेनेटिक्स डिजीज या जेनेटिकल डिजीज आप पढ़ते हैं, चाहे वो हीमोफीलिया पढ़ लीजिए, चाहे आप जो है कि कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लीजिए, वर्णांधता जिसको बोलते हैं, या आप जो है कि हीमोफीलिया की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, जेनेटिकल डिजीज में या जेनेटिक डिजीज में। हेरिडिटी डिजीज भी उसी को कहेंगे। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचना, यानी वो डिजीज जो कि कम्युनिकेबल हो, किसके थ्रू, जो है कि क्रोमोसोम के थ्रू। तो उसमें कई टाइप के आएंगे जो कि मैं बताऊंगी। ओके रंजना मौर्य, दी नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा कम अच्छी लगिएगा सच में। अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल। बादल पांडे, आपका ऑनर्स बायोलॉजी ही था क्या? बिल्कुल, जो है कि केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाती हूँ। और बादल पांडे जी, मैं आपको बता दूँ कि मेरा एमएससी भी कंप्लीट है और साथ में बीएड, एलएलबी बहुत कुछ कर रखा है मैंने। तो मेरे स्टडी के पीछे आप लोग मत भागिए, जो भी पढ़ाऊँगी अच्छा पढ़ाऊँगी। तो थोड़ा बिलीव करके बस पढ़ते जाइए, और जहाँ पर छोटी मोटी गलतियाँ हों तो आपके अपने टीचर है भाई, थोड़ा बहुत चलेगा, उसके लिए आप लोग हाय तौबा मत मचाइएगा। आदर्श यादव, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, बिल्कुल, आप लोग चैटिंग बहुत करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम फिजियोलॉजिकल बात करते हैं तो इसमें भाई इसमें भी कई डिजीज आते हैं जो फिजियोलॉजिकल यानी फिजिक के आपके रिलेटेड होते हैं, आपके शरीर से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं एक एक करके सभी डिजीज को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे। तो ये डिजीज बात करेंगे यानी विटामिन भी पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन भी बहुत ज़रूरी है और विटामिन से भी आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जिसको नोट करना होगा आप एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और चीज़ें नोट करते रहा कीजिए। सदानंद मौर्य जी, बिल्कुल, कोई डिग्री नहीं भी है मैम की, बच्चे मैम की, बिल्कुल सदानंद जी। अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग।
डिग्री लेके आप क्या करेंगे? देखिए, टीचर वो नहीं जो डिग्री से आपको पढ़ाए, टीचर वो है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस से आपको, ऐसे कई टीचर होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती बट वो अच्छा समझा देते हैं। तो ज्ञान है, कहीं से भी मिले बस बटोर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हम लोग विटामिन। अब देखिए, विटामिन भी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिनको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आती है विटामिन में, तो विटामिन क्या होता है? आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है। क्या होता है? इसेंशियल यानी कि आवश्यक, आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि विटामिन ही वो है जो रोगों से लड़ने की आपको क्षमता देता है, यानी कि इम्यूनिटी मत समझ रखिएगा इसको। ये वो प्रोडक्ट है, ये वो केमिकल होते हैं जो बॉडी में आपके डिजीज होने से रक्षा करते हैं, यानी कि हर विटामिन किसी न किसी डिजीज से आपकी सुरक्षा करता है। इसीलिए जब आप कमज़ोर हो जाते हैं या कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर एक मल्टी विटामिन जरूर डालता है आपकी दवाओं में। ओह पता है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं वर्ड को। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय की क्रिया। आपकी बॉडी में बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल कहने का मतलब है कि कुछ एटम होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है। एटम जो सबसे छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल उनसे बड़े होंगे, तो जो मॉलिक्यूल होंगे उनको एटम में तोड़ने का काम करता है और जो एटम है उनको जोड़ के मॉलिक्यूल में बनाने का, क्योंकि चीज़ें पचने लायक बने, बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, उसको क्या कर सके, अवशोषित कर सके उनसे न्यूट्रिएंट को, उस लायक बनाने की क्रिया को ही आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रंजना मौर्या बिल्कुल, उपापचय, बिल्कुल उपापचय कहते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसमें, तो जो बात करते हैं किसकी, विटामिन की, तो विटामिन का जो एक टर्म दिया था, टर्म, टर्म का मतलब हो गया शब्द। तो सबसे पहले जो शब्द दिए थे वो थे आपके अपने फंक। फंक कहीं नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि विटामिन शब्द किसने दिया, बहुत पूछा जाता है। मतलब मैंने तो कई पेपर देखे हैं, तो पेपर में अक्सर पूछ दिया जाता है कि विटामिन शब्द किसने दिया, तो आपको याद होना चाहिए किसने दिया, फंक ने दिया। थोड़ा हिंदी भी ऐड करके बताइए अभिषेक कुमार। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, बिल्कुल फंक का नाम फंक ही होगा, इनका हिंदी में भी फंक ही इनको बोलेंगे। और बाकी चीज़ें तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ कि इंग्लिश से हिंदी दोनों साथ में लेके चलूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि विटामिन होता क्या है, तो विटामिन होता क्या है कि ये एंजाइम का एक ग्रुप होता है। ये विटामिन जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीनियस प्रोडक्ट होते हैं। आप ये कह सकते हैं एंजाइम वो पदार्थ होते हैं या वो एक प्रोडक्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं एंजाइम। तो ये को एंजाइम होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक पदार्थों से। ये किससे बने होंगे? अकार्बनिक पदार्थों से बने होंगे। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ विटामिन की डिस्कवरी किसने की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन की डिस्कवरी किसने की, तो इसको देख लेते हैं। एन एल और कौन थे? लुनीन। लुनीन, इनको पूरा नाम तो ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा, एन आई लुनीन। और इनके एक सहयोगी भी थे, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, होपकिंस, इनका नाम था एंड होपकिंस। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया। डिस्कवरी मतलब खोज। देखिए अब दो क्वेश्चन यहीं से आपके फंस जाने हैं, कैसे? पहला, शब्द किसने दिया, तो आप किसको टिक करेंगे? फंक को। दूसरा, खोज किसने की, तो एन आई लुनीन एंड हॉपकिंस। गलती से हॉपकिंस को छोड़ भी दिया गया हो पेपर में, तो आप इनको देख के टिक कर दीजिएगा। वैसे तो दोनों साथ में मिलके काम किए थे, तो इस वजह से इनको दोनों को ही रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विटामिन कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये देख लेते हैं। तो विटामिन के अगर टाइप की बात करते हैं हम, टाइप, टाइप्स, या आप हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रकार।
तो ये दो प्रकार या दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन। देखिए वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। देखिए पिछली बार एक टेट में क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा विटामिन जो है कि सी कहाँ मिलता है, सोर्स पूछ दिया गया था। उसके पहले पूछा गया था कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। बादल पांडे जी वैज्ञानिक हैं, क्या लिखा है बादल पांडे जी, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ओ वैज्ञानिक है, जल में और वसा में। बादल पांडे जी पूछना क्या चाहते हैं आप, क्वेश्चन पूछिए बिल्कुल। आपको देखिए मैं क्यों लाइव ले रही हूँ, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है पूछिए मुझसे, मैं क्वेश्चन से नहीं घबराती और जो है कि आपके सॉल्यूशन को देने की कोशिश करूंगी। आंवला में, बिल्कुल रंजना जी सही हैं आप, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में मिलता है। तो ये जरूरी थोड़ी आंवला दे दिया तो आप आंवला टिक कर दिए ना, वहाँ पे जो चार दिए रहते हैं उस चार में आपको देखने पड़ते हैं कि कौन सा सबसे बेटर है। अगर मान लीजिए आंवला भी दे दिया, नींबू भी दे दिया और संतरा भी दे दिया, तो सब में है ना विटामिन सी, बट किस में सबसे ज़्यादा है? तो उस समय आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। ठीक है एमली डी सुजा, आंवला बिल्कुल, आप लोग तो एकदम 30 मार्क खान है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन होता है। दूसरा अगर हम बात कर देते हैं तो फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इसको जल में घुलनशील था तो ये क्या हो जाएगा आपका वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये दो विटामिन होते हैं, विटामिन के दो प्रकार होते हैं। अब इनके अंतर्गत आते हैं वो सारे विटामिन जो आप पढ़ते हैं, ए बी सी डी जो भी पढ़ते हैं, ये सारे के सारे विटामिन इनके अंतर्गत आते हैं। तो आपसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। अंकित ओझा जी एडेक, तो एडेक है क्या, ये तो आपने बताया नहीं, एडेक बस बताया लग रहा है, वीडियो आपने देखा है, गुड। और सर जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग, ये सारी चीज़ें तो अलग अलग वीडियो में बनती ही है, लाइफ का मतलब होता है कि आप सभी का थोड़ा रिवीजन टाइप हो जाए कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, थोड़ा आप क्वेश्चन पूछे थोड़ा हम पूछे, यही लाइफ का मतलब होता है। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले वसा, देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या, जल में घुलनशील, क्योंकि मैंने यही लिखा था जल में घुलनशील विटामिन, जिसको आप लिखते थे क्या वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसके लिए मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो आपसे अक्सर पूछ देता है कि जो है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, क्या लिखा है इन्होंने आंचल यादव ने, मैम विटामिन सी साइट्रिक फ्रूट में ज़्यादा मिलता है। बेटा आपको एक और बात बता दें कि नींबू भी साइट्रिक है, साइट्रस मतलब नाम ही आप पढ़ते हो, अगर नींबू का पढ़ते हो तो साइट्रस ही लगता है, तो सभी के सभी साइट्रस मैंने बताए थे जितने भी बताए थे। बादल पांडे बी और सी, बिल्कुल बादल पांडे जी सही बोल रहे हैं आप, बी और सी बिल्कुल। रंजना बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के आंसर सही हैं, आपने वीडियो देखे हैं इसका मतलब है। बादल पांडे, बादल कुमार बी और सी बिल्कुल सही, सही बिल्कुल सही आप हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये दो विटामिन होते हैं जो कि आपके जल में घुलनशील होते हैं, और उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, W फॉर वाटर और बी एन सी विटामिन। तो आपने क्या लिखा था W बी सी, W का मतलब मैंने बताया था वाटर, वाटर मतलब जल, और विटामिन बी और सी इसमें घुल जाता है। तो इससे आपको अगर कभी टिक करने को आए कि इनमें से कौन सा जो है कि जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी कोई भी आए ऑप्शन आप टिक कर देंगे। अब देखिए ये जो हम आगे बात करते हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से थे, विटामिन बी और विटामिन सी। सी तो भाई अकेला है, इसका तो कोई पार्टी नहीं है, सी ही पढ़ते हैं हम लोग, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको,
और ये खुद में इतना बड़ा है कि इसके पार्ट की जरूरत है ही नहीं। नहीं देखे हैं वीडियो? अच्छा रंजना जी नहीं देखे वीडियो, बिल्कुल तब तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा देखे आप आंसर दे रही हैं, ये अच्छी तैयारी है आपकी। तो विटामिन बी की बात जब कर लेते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसके कई पार्ट हैं, ये सिर्फ अकेला नहीं आया है, इसके कई पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फाइव है, बी सिक्स है, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व। ये आपके इतने बी के जो है कि पार्ट है। और सी अगर बात करते हैं विटामिन सी की तो वो अकेला है, मैंने बताया भी था। तो ये जो है इन सब के अपने अपने काम है, हालांकि ये सब के सब आपके एक चीज के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपकी ब्यूटी। ये सारे जो बी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहे हैं ये ब्यूटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन बी की कमी होती है तो सबसे पहले आपकी सुंदरता घटने लगती है, सुंदरता इन द सेंस कि आपके हेयर, नेल्स, स्किन, इन्हीं सबसे रिलेटेड। तन्या कमेंट सेक्शन ऑफ है क्या? अब ये तो चेक करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन ऑफ है क्या? नहीं, कमेंट सेक्शन ऑफ तो नहीं होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, बाद में कर लीजिएगा कमेंट। कमेंट क्या क्या है फिलहाल आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कमेंट तो बाद में भी कर सकते हैं। वो तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग करके रख देता है कि आप जो है कि रात में दिन में जब मन करे देखिए और कमेंट करिए, तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। विटामिन बी ट्वेल्व तक, हाँ बिल्कुल। लेकिन बादल जी इसमें से कुछ जो है विटामिन बी की सभी नहीं है, देखिए आप ध्यान से, बी फोर गायब है। हालांकि जो है कि कई विटामिन हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं एच में, विटामिन एच, विटामिन जे, जी, तो उन सबको भी मैं बताती चलूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन बी वन की। इसको आप कई बार देखते भी हैं, अक्सर पूछता है विटामिन बी वन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और आपसे ये भी पूछता है कि विटामिन बी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो बेरी बेरी इतना फेमस है कि अगर विटामिन बी भी लिखता है तो भी आप बेरी बेरी टिक करते हैं, और अगर बी वन लिखे तो भी आप बेरी बेरी टिक करते हैं, क्योंकि ये पहला विटामिन है। तो बेरी बेरी बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वे में आपसे पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले विटामिन बी वन की बात कर लेते हैं हम लोग। रामलाल जी नो, सुनीता देवी राइट, बिल्कुल सुनीता देवी जी। देखिए मैं जो बात कर रही हूँ विटामिन बी की, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है आपके। अगर बी वन की भी बात करते हैं तो इसके टर्म्स को जो दिया था, टर्म जो दिया था वो किसने दिया था? फंक ने। तो अगर कभी पूछे विटामिन बी वन किसने दिया था, किसने टर्म, टर्म का मतलब होता है शब्द, विटामिन बी वन सबसे पहले किसने कहा था, तो फंक ने कहा था। आप फंक की बात कर सकते हैं इसमें। और दूसरी बात अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका जो केमिकल नेम है उसकी हमेशा बात करता है, यानी कि यहाँ पे दूसरी बात क्या हो जाएगी इसके केमिकल नेम की, इसकी केमिकल नेम क्या हो सकता है? देखिए थियामिन लिखते हैं, लेकिन हिंदी अगर लिखते हैं तो ये थायमिन दिया रहता है, क्योंकि आप इंग्लिश वर्ड लेंगे तो जो थायमिन आप यूज करते हैं डीएनए में, आप सभी पढ़े होंगे बचपन में कि डीएनए जब पढ़ते हैं हम लोग तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या वर्ड, थायमिन। यहाँ पे होता है थियामिन, लेकिन इसको हिंदी में लिखते हैं तो अक्सर आपको पेपर में मिल जाता है थायमिन लिख के, तो आप टिक कर देंगे, चाहे वो थियामिन लिखे चाहे थायमिन आप टिक करेंगे, वही आपका जो कि केमिकल नेम है। होने वाला कौन सा रोग होता है इससे? तो जो रोग होता है, रोग या डिजीज जिसकी बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या कहा, डिफिशियंसी यानी कि कमी से होने वाले रोग, तो आपका बहुत ही फेमस है बेरी बेरी, बेरी बेरी, इंग्लिश में इसको लिखेंगे बी ई आर आई, बी ई आर आई, ठीक है। तो इससे होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। इस वजह से इससे होने वाला रोग कौन कौन सा है? बेरी बेरी। इस वजह से आप इसको क्या कह सकते हैं? एंटी 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 कौन है, मतलब अपोजिट, एंटी बेरी बेरी विटामिन। देखिए आपका एक क्वेश्चन इधर से भी, एंटी बेरी बेरी विटामिन कौन सा है? तो बी वन, क्यों? क्योंकि इसको लेंगे तो बेरी बेरी नहीं होगा, इसको अगर विटामिन बी वन है बॉडी में तो बेरी बेरी नहीं हो सकता। तो ये है बेरी बेरी की बात। और इसमें होता क्या है कि ये जो है कि कुछ इसके सिम्टम बता देते हैं कि बेरी बेरी में आपके क्या होते हैं। मैंने बताया था ना कि आपको भूख कम लगेगी, थकावट महसूस होगा, और साथ में जो है कि आपके
कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा ज्यादा जब बेरी बेरी का ज्यादा असर होने लगता है आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। ये तो शुरुआती जो लक्षण होते हैं ना वो सभी डिजीज के होते हैं कि आपको थकावट महसूस होगा, थोड़ा वीकनेस लगेगा और जो है कि एपेटाइटिस, एपेटाइट मतलब होता है आपको भूख कम लगना, तो भूख कम लगेगी। फिर भी आपने अगर ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर से नहीं मिले, तो कंडीशन आ जाती है पैरालिसिस की, मतलब इस डिजीज की वजह से इंसान को पैरालिसिस हो सकता है। तो आपके जो सिम्टम हो जाएंगे बेरी बेरी के वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो लिख सकते हैं आप लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख कम लगना आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगना। और दूसरी बात अगर कर देंगे तो लॉस ऑफ एक्टिवनेस, लॉस ऑफ एक्टिवनेस। देखिए एक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा थकी थकी सी महसूस करेगी। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो लगता है बहुत थके हुए हैं, सोना चाहिए मुझे, तो ये क्या होता है कि ये बीमारी का ही एक लक्षण होता है जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होती रहती है। और जो कि नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या हो सकता है कि पैरालिसिस मसल्स, देखिए मसल्स की भी बात अगर करते हैं ना तो एक वर्ड आता है मसल, मसल एट्रॉपी, क्या हो जाएगा मसल एट्रॉफी, अकड़न जिसको आप बोलते हैं, तो ये भी बीमारी का एक लक्षण होता है कि विटामिन की जब कमी होने लगती है अपनी बॉडी में तो मैम जुखाम किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? विवेक जी जुखाम विटामिन की कमी से नहीं होता है, जुखाम मैं बताऊंगी वो इन्फेक्शियस डिजीज है और वो राइनो वायरस की वजह से होता है, वो तो मैं बताऊंगी, आप घबराइए मत, एक एक चलते हैं। मसल्स एट्रोपी होती है और लास्ट में हो जाता है पैरालिसिस, पैरालिसिस जिसको लकवा भी आप बोलते हैं। तो ये चार लक्षण होते हैं, फिर से सुन लीजिए, भूख कम लगती है जो है शरीर थका थका महसूस करेगा और आपका मसल्स जो होगा वो तनाव मसल्स में रहेंगी, मतलब मसल्स अकड़न सब आपको लगेगा, और पैरालिसिस मतलब आपको कभी कभी ऐसा जैसे देखे होंगे कि जिसको विटामिन की कमी है, बेरी बेरी डिजीज है, उसको लकवे की भी शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ आपके सिम्टम थे विटामिन बी वन के। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी टू। आप सभी कुछ नोट करते रहिएगा, बहुत ही आपके लिए फायदा करेगा और साथ में शेयर भी करते रहिए, ये लिस्ट कम नहीं होनी चाहिए वॉचिंग की भाई, आप शेयर करते रहिए। फिर देख लेते हैं विटामिन बी टू। बी टू, अब देखिए बी टू की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन, हिंदी में इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, राइबोफ्लेविन। इसका ये क्या है, केमिकल नेम है। अब विटामिन बी टू मिलता कहाँ कहाँ है तो आप देखते हैं, आपको अक्सर पता चलता होगा विटामिन बी टू गाय के दूध में मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा जो है कि यूरिन में मिलता है विटामिन बी टू, यूरिन में भी यूरोक्रोमेटिन के अलावा विटामिन बी टू भी मिलता है, लेकिन उसको जो है कि जैसे आप लोग अक्सर सुने होंगे कि आजकल तो गौमूत्र की दवा भी बनाई जाती है, तो एक्चुअली उसमें विटामिन ही होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। डेविल गेम्स, बिल्कुल नमस्ते नमस्ते मिस्टर रमेश, यस हाँ विटामिन की बहुत ही यूज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम विटामिन बी टू की बात करते हैं तो विटामिन बी टू आपके जो होते हैं कि विटामिन जी के नाम से भी जाने जाते हैं, मैंने बताया था कि कुछ विटामिन के नाम बदले भी गए हैं, तो यहाँ पे विटामिन जी भी किसको बोलेंगे, विटामिन बी टू को। तो अगर कभी पूछे एग्जाम में कि इनमें से विटामिन जी कौन सा है तो विटामिन बी टू को आप टिक करेंगे, क्योंकि विटामिन बी टू को विटामिन जी भी कहा जाता है। अब होने वाले रोग देख लेते हैं हम लोग, तो इससे कौन कौन सा रोग हो जाएगा कि आपके जब भी इसकी बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस डिजीज है डिफिशियंसी से, जिसको हम लोग बोलते हैं चिलोसिस। क्या बोलते हैं मैम, मिल्क में खाली विटामिन बी टू ही नहीं मिलता, बिल्कुल बादल जी, विटामिन बी टू ही नहीं मिलता, प्रोटीन भी मिलता है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, और जो है कि
जो कि आप अगर दूध को थोड़ी देर के लिए रख दे तो लैक्टो नाम ही दिया जाता है, तो लैक्टो एंजाइम भी मिलता है इसमें। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मिल्क में सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी टू मिलता है, बट हाँ विटामिन बी टू गाय के दूध में जरूर मिलता है। गाय का दूध हो गया और माँ का पहला दूध इसीलिए बच्चों को पिलाया जाता है क्योंकि विटामिन बी टू जो है आपकी एक इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो विटामिन बी टू बहुत ही जो है कि डिफिशियंसी से इसके चिलोसिस हो जाता है, इसके अलावा आपका ग्लोसिटिस हो जाता है। मेन जो फेमस है वो है चिलोसिस। डिजीज का जो नाम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चिलोसिस। अक्सर नाम सुने होंगे कि चिलोसिस, इनमें से चिलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है, ये मैंने बताया भी है। डिफिशियंसी मतलब होता है कि आपका कमी, कमी किस कमी से हो रहा है। तो इसमें जो होता है आप अगर देखेंगे तो जो आपके लिप्स होंगे वो रेड हो जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, लिप्स बिकम रेड, स्वेल करेगा, जो है कि होठ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेड दिखने लगते हैं, इसके अलावा वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो कि बड़ी तकलीफ़ हो जाती है बकल कैविटी में, मतलब माउथ में जो माउथ का एरिया होता है बड़ा तकलीफ़ हो जाता है, धीरे धीरे वो फटने लगते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये चिलोसिस का एक फॉर्म होता है जिसमें कि जो लिप्स होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। एम डी डिसूजा ऑल न्यूट्रिएंट्स मिल्क है, न्यूट्रिशन मिल्क है, मिल्क में। हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि आपको अगर बच्चे के लिए है तो संतुलित आहार है मिल्क। हाँ आपके लिए संतुलित आहार भाई भोजन है, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल जो आपका एक पाचन तंत्र है वो विकसित होने लगता है, जिसकी वजह से आप सिर्फ दूध पी के अपनी जो है कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकते, लेकिन बच्चे के लिए तो एक न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट का काम करता है मिल्क। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो विटामिन बी टू में और क्या क्या हो सकता है कि एक जो मैंने बोला कि ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस जो बोला ग्लो सिटीज, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो जीभ होती है वो रेड हो जाती है, मतलब इस विटामिन से आपके जितने भी इफेक्ट होते हैं वो बकल कैविटी से होते हैं, माउथ रीजन से होते हैं, यानी चिलोसिस में आपका होठ रेड होगा, और अगर ग्लोसिटीज की बात करते हैं तो आपके टंग जो होते हैं, जीभ जो होती है वो रेड हो जाती है, और धीरे धीरे वो जो है फटने लगती है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस समय होती है जब उससे ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस वजह से जो डिजीज है थोड़ा खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और ये मिलता कहाँ है, तो देखिए जितने भी विटामिन हैं मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ कि लीवर और एग। विटामिन बी की अगर बात करें प्रॉपर, तो विटामिन बी तो आपके जो है कि एग में मिल जाएंगे, लीवर में मिल जाएंगे। लीवर किसका, इंसान का नहीं, लीवर एनिमल्स का, जो आप कुछ लोग कार्निवोरस होंगे एनिमल खाते होंगे, तो जो है कि एनिमल जो खाते हैं उनके लीवर में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपका जो है ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, हस्क ऑफ कोकोनट हो गया, एंड देन और भी कहाँ मिल सकता है, वीट में मिल सकता है, मेज में मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी जौ बाजरे, ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट आपको देते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या देता है, विटामिन बी टू देता है। तो आप चीज़ें नोट करते रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विटामिन बी थ्री। आपको जो न समझ में आए उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विटामिन बी थ्री, तो देखिए बी थ्री को अगर हम बात करते हैं तो बी थ्री को मैंने बताया भी था कि आप नियासिन बोल सकते हैं, और कहीं कहीं पेंटोथेनिक भी लिखा रहता है। विटामिन बी थ्री और बी फाइव का लमसम जो काम होता है एक ही होता है, तो इस वजह से किसी बुक में विटामिन बी थ्री को पेंटोथेनिक लिख देता है और किसी बुक में विटामिन बी थ्री को नियासिन लिखा रहता है, क्योंकि दोनों के जो काम है वो एक जैसे हैं। तो नियासिन इसका जो है कि केमिकल नेम हो जाएगा, और विटामिन बी थ्री की कमी से देखिए रोग की बात यहाँ पे करेंगे ज़्यादा, बाकी जो इनसे जहाँ कहाँ मिलता है क्या मिलता है इसके लिए तो एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। ठीक, तो फिर विटामिन बी थ्री की अगर हम बात करते हैं तो इससे जो है कि नियासिन बोलते हैं, और लीवर किडनी एंड जितने भी खाने की चीज़ें हैं उन सब में मिलेगा विटामिन थ्री। तो आप जम के, विटामिन थ्री अगर कमी है तो आप जम के खाने खाइए जो भी खाना मिलता है आपको। और अगर इससे डिफिशियंसी से रोग की बात करते हैं तो बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये बहुत ही एक ऐसा रोग है
बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये किसी क्रोमोसोम सिंड्रोम का नाम देखिए आप, क्रोमोसोम पे टिक मत मार दीजिएगा, बताने का ये रीजन है क्योंकि अक्सर जहां पे सिंड्रोम आप देखते हैं तुरंत क्रोमोसोमल डिजीज मारते हैं, लेकिन ये बर्निंग फीट क्रोमोसोमल नहीं है, ये किससे होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि पैर में जलन हो रहा है, तो ये पैर में जलन जो होता है उसी को बोलते हैं बर्निंग फीट, तो ये सिंड्रोम होता है और ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है, तो विटामिन B3 की वजह से ये डिजीज उत्पन्न होता है, तो ये भी बड़ा क्रिटिकल कंडीशन होता है। और इसमें सबसे ज्यादा इसको एक और चीज बोल सकते हैं, ईस्ट फैक्टर, ईस्ट फैक्टर। अच्छा देखिए, ईस्ट को और क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जल्दी जल्दी आप ऑप्शन में बताइए जरा, ईस्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं। बिल्कुल विकास यादव जी, ओके मैम, हाँ हाँ बताइए, ईस्ट को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। खमीर, रंजना मौर्य, गुड, बिल्कुल, आप बहुत केक और इडली बनाती हैं जितनी भी, रामलाल, खमीर, बिल्कुल हिंदी में खमीर ही बोलते हैं। और ये खमीर कहाँ मिलता है आपको, जितनी भी चीज़ें बनाते हैं खमीर यूज़ होता ही है, तो इसको बोलते हैं B3 की वजह से, जो B3 होता है आप खमीर भी बना सकते हैं, तो आर्टिफिशियल ईस्ट वगैरह तैयार करने में इसका यूज़ होता ही होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं ईस्ट फैक्टर। इसको एक वर्ड हम लोग दे देते हैं, ईस्ट फैक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, विटामिन B5। विटामिन B5, इसको क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड, हिंदी में क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड ही बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे आप हिंदी में, पेंटोथेनिक ही बोलेंगे, ए है पेंटोथेनिक अम्ल। ये अम्ल और क्षार ये सब जितनी भी चीजें हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी जब केमिस्ट्री का क्लास लूंगी, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं या पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B5 में, तो एक बहुत ही फेमस डिजीज है पेलाग्रा, जिसका अक्सर क्वेश्चन पूछी देता है कि पेलाग्रा डिजीज इसमें से किसकी वजह से होता है, तो देख लेते हैं इसका जो डिजीज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पेलाग्रा डिजीज आपका हो जाएगा, और भी एक डिजीज है उसको भी देख लेंगे, पेलाग्रा, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे, पेलाग्रा। तो आप इस डिजीज का नाम याद रखिए, क्योंकि अक्सर मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है कि जो पेलाग्रा डिजीज है किस विटामिन से होता है, तो विटामिन B5। और पेलाग्रा में होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं पेलाग्रा में, तो आपके हेयर लॉस होने लगता है, साथ में जो है कि आपके पेलाग्रा में ये भी माउथ से रिलेटेड डिजीज है, तो प्रिवेंटिंग, और बिल्कुल, और इसको 4D भी कहते हैं, हाँ किसी ने वीडियो लग रहा देखा नहीं, इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, 4D डिजीज क्यों बोला था, क्योंकि मैंने बताया था इससे 4D का मतलब होता है, कुछ ना कुछ मतलब निकलता है यहाँ पे, D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन से रिलेटेड, दूसरा जो होगा वो डिमेंशिया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी डिसऑर्डर, मतलब भूलने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, याद करने की नहीं भूलने की क्षमता बढ़ जाती है। कल क्लास किसका है मैम, बादल पांडे जी कल क्लास आप बताइए किसका क्लास करना चाहते हैं, केमिस्ट्री का रख लिया जाए, बड़ा दिन से लोग बोल रहे हैं केमिस्ट्री और जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, तो फिजिक्स वाली मैम भी लेंगी क्लास अभी कुछ दिन में, और आप बोलिए तो मैं केमिस्ट्री रख देती हूँ, केमिस्ट्री के जो नॉर्मल टर्म्स होंगे वो बता देती हूँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो दोनों ही देखना है मुझे, इसके अलावा CTET की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी बहुत जल्द, साथ में शेयर करते रहिए भाई, शेयर वाला प्रोसेस मत रोकिए आप लोग, आपका ही भी बायो का, आप केमिस्ट्री भी पढ़िएगा वो भी अच्छा लगेगा, इंग्लिश का कब चलेगा, अरे कल ही तो इंग्लिश किया भाई आपने मुलर जी, इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट भी देख लिया कीजिए, इंग्लिश वाले सर हाँ बहुत अच्छे हैं,
बट हम लोग भी ठीक ही ठाक है। तो हम लोग की क्लासेस भी आप लगातार देख ही लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूँगी। खैर आपके इंग्लिश वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति से और बहुत प्यार से समझाते हैं। खैर देखिए हम लोग कोशिश करें कि सारा सब्जेक्ट ही मिले। हिंदी वाली मैम भी बोल ही रही थी, तो जैसे जैसे अरेंज होता है एक टाइम टेबल आप तक पहुँचाने की कोशिश होगी। और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, बाकी टीचर्स भी कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो वो अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लें तो फिर आप लोग के लिए एक टाइम टेबल बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके क्लासेस चलेंगे। और ज़्यादातर कोशिश होगी कि ऐसे टॉपिक उठाए जाए जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, चाहे वो आप 9th के हों, 10th के हों, 11th, 12th या कॉम्पिटिशन के हों, SSC, CGL जो तैयारी कर रहे हैं, या IAS की प्रिपरेशन, PCS की प्रिपरेशन, उन सभी के लिए ऐसे टॉपिक उठाए जाए। आप भी अच्छा समझाती हैं मैम, थैंक यू विवेक जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए हम जब विटामिन B5 की बात करते हैं तो मैंने चार स्टेज कौन कौन से बताया, डिमेंशिया बताया, डर्मेटाइटिस बताया, डायरिया बताया। डायरिया में तो आप सभी जानते होंगे कि आपको 10 से स्टार्ट हो जाते हैं डायरिया में, और इंसान जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो जो लास्ट डी है, मतलब 4D में से कौन कौन सा, उंगली पे याद कर लीजिए क्या क्या हो जाएगा आपका। फर्स्ट आपका जो था वो डिजीज़ कौन सा था, तो D4 डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा रोग। दूसरा जो था डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब होता है दिमाग से संबंधित रोग, मस्तिष्क में भूलने की क्षमता विकसित होने लगती है। ये भी क्षमता है, भूलने की क्षमता एक कमी है, लेकिन ये कमी आ जाती है इंसान के अंदर। और तीसरा जो डी है उसका मतलब होता है डायरिया, यानी आपके जो है कि 10 से स्टार्ट हो जाते हैं और इंसान कमज़ोर होने लगता है। और जो फोर्थ वाला है वो है डेथ, यानी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो विटामिन B5 है ये भी बहुत खतरनाक विटामिन है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, कमी से होने वाले सभी रोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि रोगों का पहला स्टेज होता है आपको कमज़ोर करना, दूसरा होता है आपको बेड पे सुला देना, और थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है ऊपर लेके जाना। यानी तीन ही स्टेज होते हैं, और ये तीन स्टेज में, यानी दूसरे स्टेज तक अगर आप हॉस्पिटल पहुँच गए तो सही है। रितेश यादव जी ओके मैम, अंकित कुमार गुड मैम, ओके थैंक यू सभी को। बादल पांडे जी फिजिक्स का मैम का जल्दी बुलाइए, ओके बिल्कुल बादल पांडे जी, फिजिक्स वाली मैम को बोला गया है तो वो लेंगी क्लास, उनका बहुत जल्द क्लास चलेगा। किसमें मिलता है रामलाल जी, विटामिन B5 किसमें मिलता है? विटामिन B5 लीवर में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, फिर इसके बाद आपके नाशपाती जो आते हैं, नाशपाती पियर, उसमें भी मिलते हैं। जामुन आता है, जामुन में मिलता है। वो क्या गुलाब जामुन मत खा लीजिएगा, गुलाब जामुन में नहीं मिलता है। वो जो जामुन आप खाते हैं उन जामुन में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा। आपके जो सोर्स हैं ये सोर्स हैं, ऐसा ना हो कि मैम ने कहा जामुन में मिलेगा और चले गए आप गुलाब जामुन खाने, तो गुलाब जामुन में नहीं मिलेगा, जामुन में मिलेगा। ठीक है, फिर विटामिन B6 देख लेते हैं हम लोग। B6 इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन हिंदी में भी इसको कहेंगे पायरिडॉक्सिन। और B6 से जो डिजीज होता है उस डिजीज को हम क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर, फिर इसको एक और नाम देते हैं मॉर्निंग डिजीज। मॉर्निंग डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है वो इरिटेबल हो जाता है, मतलब जो डिस्टर्ब हो जाता है, एक जो डिस्टर्बेंस की बात करते हैं हम। हंटर सुशांत हेलो, बिल्कुल हेलो सुशांत। तो इसमें जो होता है ना आपका ब्रेन से रिलेटेड, जितने भी ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम आपकी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड डिजीज जो होते हैं वो पैराडॉक्सिन की वजह से होते हैं। मतलब कमी आने लगती है तो आप इरिटेट होने लगते हैं, अगर कोई कुछ बोला, जरा सा कुछ बोला नहीं कि आप एकदम इरिटेट होकर उसे आंसर देने लगे। तो ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन B6 की कमी से होता है। और भी बहुत सारे डिजीज हैं, कौन कौन से डिजीज हैं कि इनका जो अच्छा है, इसको एक और वर्ड जान जाइए कि इसको सिंथेसाइज किसने किया था, संश्लेषित किसने किया था, निकाला किसने था। तो एक साइंटिस्ट थे स्टीलर, इनका नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने विटामिन B6 को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था, निकाला था, यानी किसी वस्तु से, चीज़ों को हम अगर सिंथेसाइज करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब निकालते हैं,
मैम शॉर्ट फार्मूला भी बताइएगा। बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला बताया जाएगा ऋषिकांत जी, ये आप ही लोग के लिए है, तो शॉर्ट फार्मूला मैं कोशिश करती हूँ। यस यस रंजना मौर्या, स्टीलर ने तो जो है, स्टीलर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और अगर डिफिशियंसी की बात करते हैं तो वॉकिंग ड्यूरिंग जो प्रॉब्लम आती है, वॉकिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग, इसीलिए बोला मैंने कि मॉर्निंग डिजीज भी इसको कहा जाता है। क्या मैंने बोला, एक और डिजीज का नाम लिया मॉर्निंग डिजीज। क्यों कहा, क्योंकि सुबह सुबह टहलने जाने पे पैर में दर्द होने लगता है, मतलब टहल नहीं पाता इंसान सुबह सुबह, इस वजह से इसको बोलते हैं वॉकिंग मॉर्निंग डिजीज। और इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, मॉर्निंग डिजीज, सुबह की बीमारी। तो ये है आपका विटामिन B6। अब मिलता कहाँ है ये भी जानिए, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और एक और जगह है हस्क ऑफ ग्रीन्स, मतलब जो अनाज के छिलके होते हैं, यानी आजकल बहुत चला है दलिया खाइए, ओट्स खाइए, ये सब क्या है, छिलके ही तो है, उन्हीं से तो बनता है। तो उसमें क्या मिलता है, ये विटामिन B6 मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन B7 की। B7 की बात कर लेते हैं, तो B7 को बोलते हैं बायोटीन। इससे भी बहुत परिचित होंगे आप लोग, अक्सर भाई प्रचार देख ही लेते हैं, तो जितने भी हेयर शैम्पू आते हैं, जितने भी शैम्पू के आजकल ऐड आते हैं, तो विटामिन B7 की जरूर बात होती है। और ख़ास करके जो आजकल कुछ शैम्पू ऐड करते हैं, तो आपको जरूर बोलते हैं कि विटामिन B7 से युक्त, मतलब क्या, ये आपके हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर रमेश, मैथ्स का कब क्लास होगा? भाई ये डिपेंड करता है मिश्रा जी, डिपेंड करता है फिजिक्स वाली मैम पे, वही फिजिक्स और मैथ्स दो डिपार्टमेंट आपके संभालेंगी। और बिलीव मी, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई जो है कि बायो का है तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हम लोग के सब्जेक्ट जो होते हैं वो BSc तक आपके मैथ्स होते हैं, तो फिजिक्स होता है साथ में, बायो है तो केमिस्ट्री है साथ में, तो चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए उतना बहुत है। और साथ में बीएड करके तो भाई टीचर बनेगा, तो आप सभी चीज़ पढ़ाएंगे। तो मैम से बात करके आपके मैथ्स और जो है कि फिजिक्स के क्लासेस जल्द ही अरेंज किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे विटामिन B7 की, तो विटामिन B7 की जब बात करते हैं तो इसे एक और चीज़ बोलते हैं, विटामिन BH बोलते हैं, याद रखिए H। विटामिन BH किसको बोला जाता है, तो विटामिन B7 को। अक्सर क्वेश्चन पूछता है विटामिन BH किसको कहते हैं, तो किसको कहा जाएगा, विटामिन B7 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, तो पेन एंड हेयर, अगर मस्कुलर पेन क्या, मसल्स पेन, आपके जो मांसपेशियां हैं, मसल्स को क्या बोलते हैं, मांसपेशियां। इनका भी एक दिन क्लास लूंगी कि हड्डियां कितनी होती हैं, मांसपेशियां कितनी होती हैं, सारी चीजें। मांसपेशियों में क्या हो जाता है कि दर्द होने लगता है, और इसके अलावा जो होते हैं आपके बाल झड़ने लगते हैं। मैंने बोला ना कि हेयर, आपके हेयर फॉल जरूर होंगे, क्योंकि ये किस में मिल रहा है, शैम्पू में आपके मिल रहा है, तो शैम्पू में यानी कमी हो गई तो आपके क्या, बाल झड़ने लगेंगे। तो घबराने की बात नहीं होगी, आप मल्टीविटामिन के कैप्सूल खाइए, आपके बाकी डिजीज ठीक हो जाएंगे। अभी मिलता कहाँ पे है, तो ईस्ट में मिलेगा, वीट में मिलेगा, एग में मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा, यहाँ आपको आराम से मिल जाता है। तो ये हो गई किसके बारे में, B7 की बात। अब बात करते हैं B9 की, और तब तक आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जो है कि इसके लिए ऑप्शन नहीं दूंगी मैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए कि विटामिन जी किसको कहते हैं, विटामिन जी किसको कहा जाता है। जल्दी जल्दी ऑप्शन तो चाहिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन चाहिए, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो बताइए। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो फिर आप आंसर दीजिए, यस मैम ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन भी देने के लिए रेडी हूँ। चलिए ऑप्शन दे ही देती हूँ, विटामिन B1, B2, B3, B5, इन सब में से विटामिन जी किसको कहते हैं, विटामिन जी किसको कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब तो आप आंसर दे ही सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है कि आपको क्वेश्चन लिख दिया है, साथ में ऑप्शन भी दे दिया है। हाँ तो रंजना मौर्य जी, आप कुछ ऑप्शन देना चाहती हैं तो दीजिए, बिल्कुल दीजिए। जी विटामिन B2,
सही है मुलर सिंह, विटामिन B2। सही है मुलर जी। नहीं, बहुत अच्छा, आप लोग जो है कि वीडियो देख रहे हैं, मतलब बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा आज। रंजना मौर्या, विटामिन B2। भाई इमली, आज आपको क्या हो गया? आज बड़ी आप सुस्त हैं, रोज तो बड़ी तेज रहती हैं। इमली जी, ऑप्शन ऑप्शन तो दिया गया है भाई, आपको ऑप्शन नहीं पहुंच रहा है क्या? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन B2। हमारे चैनल पे 2-4 लोग बड़े फेमस हैं, एक इमली की स्माइल और जो है कि एक रामलाल जी के आंसर, ये बड़े फेमस हैं। ये कुछ लोग जो है कि अक्सर वीडियोस पूरा लास्ट तक वॉच करते हैं। भोलेंद्र साहू, यस मैम, हाँ जी भोलेंद्र जी, नमस्ते, बिल्कुल। और जितने लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और साथ में शेयर करते रहिए। शेयर करने से बाकी लोग तक भी बातें पहुंचती हैं, तो आप शेयर करते रहिए, शेयर करना मत भूलिए। और कोशिश किया कीजिए कि भाई आपसे जितने लोग जुड़े हैं उनसे आप चैनल को जोड़िए, ताकि चैनल का फ़ायदा वो लोग भी उठा पाए। ओके मैम, एमली सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं B9। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। क्या कहेंगे? फॉलिक एसिड। हिंदी में भी इसको बोलेंगे फॉलिक एसिड, यानी फॉलिक अम्ल। अब इससे जो डिजीज होता है, डिजीज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो B9 से डिजीज देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा डिजीज होता है। तो ये देखिए, RBC बनाने में हेल्प करता है, फिर इसके बाद DNA के संश्लेषण में हेल्प करता है, यानी इसका काम क्या होता है? DNA सिंथेसिस में हेल्प करेगा। DNA सिंथेसिस, जिसको संश्लेषण बोलते हैं। सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? संश्लेषण। और DNA को तो DNA बोलते ही हैं, इसमें हेल्प करेगा। साथ में दूसरी बात मैंने क्या बोला कि RBC को फॉर्म करने में, RBC को फॉर्म करेगा, मतलब RBC को बनाएगा, बनाने में हेल्प करेगा। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। और इसकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 120 दिन। ये भी बहुत फेमस है, इसलिए मैंने बता दिया कि अक्सर पूछता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इससे डिजीज कौन से होते हैं? तो डिजीज देख लीजिए, इससे डिजीज जो होते हैं, खून की कमी हो जाती है, मतलब RBC बॉडी में कम बनेगा। इसकी कमी से क्या हो जाएंगे? RBC बॉडी में कम बनेंगे, साथ में DNA से रिलेटेड डिजीज आपको हो सकते हैं। और हाँ, फॉलिक एसिड भी आपके बाल और नाखूनों के लिए बहुत ही जरूरी है, बिना फॉलिक एसिड के आपके नाखून और बाल जो हैंगे चमकदार नहीं होंगे। फिर लास्ट देख लेते हैं विटामिन B12। और इतने कम क्यों होते जा रहे हैं भाई? बाकी लोगों को भी जोड़िए। B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालैमिन, साइनोकोबालैमिन, ठीक है। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? साइनो कोबा लैमिन। अब देखिए, एक चीज आपको यहीं पे दिख रहा है, ये देखिए, कोबा, कोबा मतलब हो गया कोबाल्ट। तो ये जो विटामिन है, ये कोबाल्ट इसमें मिलेगा ही मिलेगा, इस विटामिन में कोबाल्ट जरूर होता है। और इसकी कमी से जो होता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से भी क्या होगा? कोबाल्ट भी आपकी जो है कि कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड है, जो है कि ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो विटामिन है, कोबाल्ट कंटेनिंग होता है, कोबाल्ट को रखा होता है, और साथ में इसको जो है कि आइसोलेट करने की बात आई है, तो स्मिथ ने किया था, स्मिथ ने आइसोलेटेड किया था, साथ में पार्कर भी थे। और इसका काम क्या होता है कि ये परनीसियस एनीमिया एक डिजीज है। क्या नाम है? परनीसियस एनीमिया जो है इसका नाम हो जाएगा, एनीमिया। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? पर नीसियस एनीमिया, ठीक है। तो ये डिजीज हो जाता है, ये रोग हो जाता है इसकी कमी से। ऑप्शन की जरूरत नहीं है मैम। अच्छा ऋषिकांत जी, आपके पढ़ाने के तरीके से हमको याद हो गया है, विटामिन जी को B2 ही बोला जाता है। बिल्कुल ऋषिकांत जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आप लोग भी ऋषिकांत जी जोड़ते रहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स सभी पढ़ सकते हैं। ये कोई साइंस का टॉपिक नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले पढ़ेंगे।
मैथ वाले साइंस वाले सब पढ़ेंगे, विटामिन तो भाई डेली रूटीन है, इसको जानना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी की। ये जो है वाटर का सबसे लास्ट विटामिन है, तो विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो इसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, स्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और इसकी कमी से क्या डिजीज़ हो जाएगा, तो इसकी कमी से आपको बहुत ही फेमस डिजीज़ है जिसको आप लोग अक्सर नाम भी सुनते हैं, या आप बताएंगे या मैं ही बताऊं? बिल्कुल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आप कोशिश करिए बताने की, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताने की कोशिश करिए। अरे स्कर्वी बोलते हैं भाई, ये इतना सोचने की जरूरत नहीं है। स्कर्वी यानी इसको हिंदी में भी स्कर्वी बोलते हैं। ये डिजीज होता है विटामिन सी की कमी से, और मिलते किस में है, सो साइट्रस फ्रूट में मिलते हैं, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसके अलावा ग्रीन चिलीज जो आपकी मिर्ची होती है मिर्ची में मिलता है, अमरूद में मिलता है, साथ में आपके जो है कि कुछ और भी साइट्रस फ्रूट, संतरा वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, इनमें ये विटामिन मिलता है। और इसको एक चीज़ और कह सकते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाई किंग्स, ये बहुत ही राजा महाराजाओं के समय से ये चल रहा है, तो आप इसको जो है कि हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसकी कमी से आपको क्या होंगे कि जितने भी आपके स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी स्कर्वी ही नहीं, आजकल तो कोरोना से भी बचा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि विटामिन सी जो है वो आपके जितने भी वायरल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीज है उनसे आपकी सुरक्षा करता है। साथ में ये स्टोनिक पर्सन को भी बहुत फायदा करता है, स्टोन जो है गलाने में हेल्प करता है, आयुर्वेद में आपके ऐसा कुछ है। तो ये हो गया आपके क्या, वाटर से रिलेटेड डिजीज, जो वाटर में घुलनशील विटामिन है उनसे डिफिशियंसी से होने वाले रोग। अब बात कर लेते हैं जल्दी से फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये भी आपको सभी को पता है, सूखा रोग, बिल्कुल बिल्कुल, स्कर्वी को सूखा रोग बोल देंगे, चलिए ठीक है, सूखा रोग खट्टे पदार्थ में मिलता है। हाँ रंजना जी बिल्कुल, खट्टे पदार्थ में मिलता है। तो अब जल्दी जल्दी बता दीजिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन को हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म दिए थे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो जरूर बता पाएंगे। चलिए एडेक, पहले अंकित ओझा जी ने लिखा था एडेक, या आप अगर एडेक नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कीड़ा। अरे कीड़ा तो कोई नहीं भूल सकता भाई, कीड़ा। एक मिनट, ADEK, रंजना जी सही है। देखिए एडेक का मतलब होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो चार हैं ये आपके किसमें घुलनशील है, फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक विटामिन को देख लेते हैं हम लोग, फिर इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कराएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम दूसरा वाला, यानी कि आपके वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, ये सब स्टार्ट किया जाएगा। तो देख लेते हैं विटामिन ए को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे क्या, रेटिनॉल, हिंदी में भी इसको कहते हैं रेटिनॉल। अक्सर आपसे पूछ दिया जाता है विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनॉल पे टिक करिए। अब इसके बाद विटामिन ए मिलता कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है, विटामिन ए कहाँ मिलता है, तो विटामिन ए कहाँ मिलता है, स्कर्वी। ऋषिकांत ओझा जी अभी इतना लेट आप रिप्लाई कर रहे हैं, स्कर्वी क्वेश्चन कब का खत्म हो गया, चलिए ठीक है कोई नहीं, लेट ही सही, करते रहिए आप।
देखिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, विटामिन ए की, तो विटामिन ए से जो होते हैं इसके भी दो फॉर्म होते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन विटामिन ए वन और विटामिन ए टू दो होते हैं। तो आप बस इतना जानते रहिए कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, और ये अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ है तो बिल्कुल एमली डिसूजा कैरेट, हाँ सही है, ये मिलता है लीवर, कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर मतलब आपके फिश से रिलेटेड, फिश में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, टोमेटो में मिलेगा, कैरेट में मिलेगा, मैंगो, पपाया, इन सब में मिलेगा विटामिन ए। ज़्यादातर पीली सब्जियों में भी मिल ही जाता है आपकी, जब भी बात करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एमरी डिसूजा कैरेट। गौरव मैम ये ट्वेल्थ है ना गौरव, मैंने बताया ना आपको कि ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये किसी साइंस आर्ट्स या किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है, टॉपिक सब जगह पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। मैंने जानबूझ के ये टॉपिक उठाया था कि आप सभी को कुछ तो नॉलेज हो अपने अगल बगल जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, भाई कोरोना टाइम्स है, आपको जितने भी डिजीज से आप बच सके वो ज़्यादा अच्छा है। गौरव ओके ओके बिल्कुल गौरव जी, तो चलते हैं। इससे डिजीज जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जैंथोथैल्मिया, आप जैंथोफीलिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैंथो, या आप एक और नाम दे सकते हैं जेरोप्थैल्मिया, ठीक है, ये भी आपके आंख से रिलेटेड है जेरोप्थैल्मिया। और एक और डिजीज होता है जिसको बहुत ही फेमस है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं रतौधी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि रतौधी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन, एमली डिसूजा, रतौधी, बड़ी तेज है भाई एमली डिसूजा जी आप, अच्छा बड़ी मन से आप क्लास भी करते हैं, वैसे आप क्या पढ़ाते हो गौरव जी। मैं अभी अपने बारे में तो बताई हूँ, फिलहाल तो मैं सब तीन चार सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो आप पढ़िए जो जो अच्छा लगे पढ़िए, जो नहीं अच्छा लगेगा उसको भी देख ही लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हम लोग, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ए की कमी से होता है रतौधी। अब रतौधी होता है, इसके अलावा जो होता है कि और भी डिजीज होते हैं जो आपकी आंखों से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवाइज, जो मतलब आंखों में कभी आंख खाना आप बोलते हैं, तो ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। फिर ब्लाइंडनेस, जो धीरे धीरे अंधापन होने लगता है। फिर आंखों से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं, आयुषी सिंह, बिल्कुल आयुषी सिंह सही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब कुछ किससे होता है कि ये सारे डिजीज जो होते हैं वो आपके विटामिन ए की कमी से होता है। थैंक यू गौरव जी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी की। आज हम लोग सिर्फ डिजीज जो है कि डिस्कशन कर रहे हैं, और चीज़ें थोड़ी बहुत जिनसे मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं किसकी, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। रिकेट्स, गौरव रिकेट्स, अच्छा रिकेट्स कैसे विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स कैसे होगा गौरव जी, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं होगा। आप देखिए विटामिन डी की बात कर लेते हैं, तो विटामिन डी को हम लोग, विटामिन डी, अच्छा अच्छा वेरी गुड, विटामिन डी जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्सीफेरॉल, क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल, हिंदी में भी इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्सीफेरॉल ये कैल्शियम से रिलेटेड है, कैल्सी जहाँ पे वर्ड आता है वो कैल्शियम से रिलेटेड है, जैसे साइनोकोबा बोला तो कोबाल्ट से रिलेटेड था, वैसे ये कैल्शियम से रिलेटेड है। डी सुनाई दिया मैम, ओके ओके कोई नहीं गौरव जी आपने सही आंसर दिया, रामलाल सुपर एक्सलेंट मैम, अच्छा थैंक यू थैंक यू रामलाल जी, आप तो वाकई मेरे चैनल पर लग रहा है कि आप फर्स्ट प्राइज जीत के जाएंगे, विनर ही बनना आपको, सारे जो है कि एक एक कमेंट आपके एकदम अलग से होने लगते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, एमली डिसूजा, नमस्ते।
और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे। लाइक करते रहिए वीडियो को। तो देख लेते हैं विटामिन डी की जब बात करते हैं तो विटामिन डी मिलता कहाँ है। विटामिन डी आपके मिलेगा स्प्लीन में, एग में, मिल्क में मिलेगा, और जितने भी स्ट्रॉइड आप लेते हैं, स्ट्रॉइड क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं जो किसी न किसी एंजाइम से निकाले जाते हैं, किसी न किसी विटामिन से निकाले जाते हैं, उनको हम लोग स्ट्रॉइड बोलते हैं। और ये भी काम किसका करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी किसी चीज़ को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो स्ट्रॉइड में मिलेगा रुपए, गौरव जी रुपए के लिए तो नहीं किया जाता है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब किया जाता है ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन हो हम लोग का वो जल्दी पहुंच पाए, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और सभी काम पैसे के लिए नहीं किए जाते हैं, तो सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो, और नहीं मन होगा तो मत करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बिल्कुल विटामिन डी जो है वो आपको धूप से भी मिलता है, और कब मिलता है, सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में धूप आजकल जो मिल रही है उसमें आपको विटामिन डी मिल सकता है। सुबह से लेके आप 6 बजे 7 बजे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर विटामिन डी लेना है तो 10 बजे के पहले जाइए। अगर 10 बजे के बाद जाते हैं तो यूवी रेज मिलता है, क्यों, क्योंकि ओजोन की परत जो है, आजकल तो आप बहुत जानते ही होंगे ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन लेयर में जो है कि छेद हो गया है, और उसकी वजह से यूवी रेज आप तक पहुंच जाती है। अच्छा गौरव जी पहली बार यूट्यूब चला रहे हैं, गुड, चलिए कुछ तो हम लोग काम आए, आप पहली बार ऐसे ही यूट्यूब चलाए तो। ठंडा नहीं लग रहा है भाई, रूम में उतनी व्यवस्था है, जहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं सेट पे उतनी व्यवस्था रहती है कि टीचर को ठंडी ना लगे। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होगा कि गर्मी लगने लगेगी, तो आप उसके लिए मत घबराइए, ठंडी नहीं लगेगी मैम को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी कॉड लीवर ऑयल में भी मिलता है, यानी कि जो आप अक्सर देखते हैं मछली का तेल, तो मछली के तेल में भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। इससे होने वाले जो रोग हैं, रिकेट्स होता है, कौन सा रोग होगा, डिफिशियंसी से रिकेट होगा। लेकिन रिकेट जो डिजीज़ है वो रिकेट होता किस में है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि रिकेट जो होता है वो किस में होता है, तो बच्चों में होता है। किस में रिकेट होगा, चाइल्ड में होगा, बच्चों में होगा। और यंग की बात करते हैं तो एक और डिजीज होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ऑस्टियोशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी हड्डियां जो होती हैं कमजोर होने लगती है पैर में, लेकिन ये जो है कि यंग एज में होता है, मतलब थोड़ा बुढ़ापा आने लगता है तब होता है। और ये जो है रिकेट्स, ये बच्चों में होता है, इसमें भी पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये जो डिजीज है ये होते हैं किससे, विटामिन डी की कमी से। और ये मिलता कहाँ है, सब्जियों में मिलेगा आपको, जो कि मैंने बताया भी, एग में मिलेगा, स्ट्रॉइड में मिलेंगे, वेजिटेबल, घी, घी में भी बहुत मिलता है विटामिन डी, बटर में भी मिलेगा। रंजना मौर्य बच्चों में, सुधांकर गिरी नाइस, थैंक यू सुधांकर जी। तो ये जो है कि कुछ डिजीज थे जो विटामिन डी की कमी से हो रहे थे। अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई की जब हम बात कर लेते हैं तो इसको फर्स्ट थिंग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्या कहेंगे, ब्यूटी विटामिन। दूसरी बात कहेंगे फर्टिलिटी विटामिन, जो सौंदर्य विटामिन पूछा जाता है तो वो विटामिन ई को ही कहते हैं। और इसके अलावा रिकेट्स हेरिटेबल भी होता है क्या मैम, नहीं सोएब खान जी, बिल्कुल नहीं, रिकेट्स हेरिटेबल नहीं होता है, हेरिडिटी से नहीं होती है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है। तो मैंने जो 4 टाइप बताया रोग के वो मैं आगे बता रही हूँ, आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं बताऊँगी भी जो डिजीज़ किससे होते हैं और हेरिटेबल डिजीज़ क्या होते हैं। और अगर आज नहीं भी ख़त्म हुआ तो कल इस सेशन को पूरा करेंगे, लेकिन ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि डिजीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसे 3-4 क्वेश्चन तो आपको घुमा फिर के पूछ ही दिया जाता है। ओके मैम, दीक्षा नमस्ते, नमस्ते बेटा आयुषी सिंह। तो अगर हम विटामिन डी की ई की बात करते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ब्यूटी विटामिन।
इसके अलावा क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, जो कि फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से एक ही डिजीज होता है, वो होता है स्टेरिलिटी। क्या होता है? नपुंसकता, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नपुंसकता, नपुंसकता। यानी इसकी कमी से क्या होता है, पुरुषों में ज्यादातर, पुरुषों में कमी इसकी, इसकी वजह से पुरुषों में ज्यादा दिक्कत आती है, तो जो है कि पुरुषों में नपुंसकता होने लगता है, और भी महिलाओं में भी इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो विटामिन ई जो होता है वो आपके फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये भी बहुत अच्छा। आपके इस रोग का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अच्छा, किस रोग से बादल पांडे जी, किस रोग की बात आप कर रहे हैं? स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं क्या? वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, थैंक यू रंजना। बादल पांडे जी आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछिए, किस रोग की आप बात कर रहे हैं? चलिए कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। अगर आप स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं तो इससे कोई अंग प्रभावित नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है पुरुषों में, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटो, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म बनने, अगर जाहिर सी बात है कि स्टेरिलिटी अगर आ गई है, नपुंसकता आ गई है, तो ये जो स्पर्म बन रहे थे वो बनने क्या हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। फ्रुक्टोज तो रहेगा बट उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो ये है स्टेरिलिटी, यही है कंडीशन स्टेरिलिटी की। और कभी कभी अगर ये बचपन से कमी होती जा रही है तब आपके अंग प्रभावित होंगे, मतलब अल्प विकसित होंगे। और ज़्यादातर तो जो अंग से रिलेटेड है कि अल्प विकसित अंग, तो ये ज़्यादातर आपके सिंड्रोमिक हो जाते हैं, मतलब हेरिटेबल हो जाएंगे, वो मैं बताऊँगी। सुशांत गिरी, थैंक यू सुधाकर जी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विटामिन ई की बात, ये कैसे बढ़ेगा। तो रिमूव, इसे अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, अगर विटामिन ई आपकी बॉडी में भरपूर है तो आपको रिंकल कम पड़ेंगे। विटामिन ई का यूज आजकल बहुत हो रहा है, किसमें, रिंकल के लिए लोग यूज कर रहे हैं, क्रीम जो बन रहे हैं आजकल, तो क्रीम में यूज हो रहा है ताकि रिंकल्स ना पड़े, क्योंकि मैंने बोला भी ये सौंदर्य विटामिन है, ये सौंदर्य जो है कि वर्धक है। और विटामिन ई की जो स्कैल्स होते हैं, जो बालों में रूसियां और ये सब पड़ते हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। इनके स्किन को मॉइस्चर करता है, आपके स्किन में लाइट लाता है, हेयर जो होंगे आपके चमकीले होंगे, तो ये सारी चीजें हैं ब्यूटी विटामिन की। और ये मिलता कहाँ से है तो आप जान जाइए कि कैरेट में मिलेगा, कैरेट सीड ऑयल जो बहुत आता है बाजार में, गाजर का जो सीड होता है, जो बीज होते हैं उनसे उससे तेल बनाए जाते हैं, उसमें मिलता है, एग में मिलता है, मसल्स में मिलेगा, और जो है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, इन सब में मिलेगा। मैम आप उसे यूज़ करते हो क्या? गौरव जी बिल्कुल, आप ना मतलब विटामिन तो भाई सबको, सब यूज़ करते हैं, ऐसा कोई बंदा या बंदी नहीं होगी जो विटामिन यूज़ ना करें, मतलब इनफैक्ट आप किसी न किसी फॉर्म में, घर में सब्जियां खा रहे हैं तो मैं, जाहिर सी बात है कि एक डाइट फूड जो होते हैं कि खाना दाल चावल रोटी सब्जी, ये तो सब खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, इंसान हूँ, तो वही है, सारे विटामिन उसी में हैं, और बाकी अलग से विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल चीज़ें लेके विटामिन को फुलफिल कर सकते हैं। सुधाकर जी विटामिन ई किस में पाया जाता है? विटामिन ई बताया मैंने, कैरेट सीड, एग, एग खाते हैं उसमें मिलता है, इसके अलावा जो अंकुरित दाने होते हैं उनको जरूर खाइए, उससे जो है कि विटामिन ई मिल जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है और फ्रूट्स में भी मिलता है। तो ये विटामिन ई जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन के, एडेक बताया था तो के देख लेते हैं। विटामिन के, तो विटामिन के की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी दो कंडीशन होती है, एक होता है पैरा और दूसरा होता है फेलो। तो फाइलो और पैरा की बात नहीं करते हैं, सिर्फ विटामिन के की बात करते हैं। इसका जो नाम हो जाएगा, एक जो केमिकल नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नेफ्थोक्विनोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नेफ्थोक्विनोन, हिंदी में क्या बोलेंगे? नेफ्थो क्यूनोन।
इससे होता क्या है तो कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, जैसे कभी चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वहाँ थोड़ी पपड़ी टाइप का जम जाता है और ब्लड जो होता है ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है, तो इसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो इसकी कमी से नहीं होगा। यानी अगर कभी जिसको बोलते हैं कि हैमरेज होना रक्त जो रुधिर है या ब्लड है वो बह रहा है तो बहता ही रहेगा, जिसकी वजह से इंसान को हैमरेज हो जाता है और वहीं ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाएगी। गौरव, क्लॉटिंग, बिल्कुल बिल्कुल क्लॉटिंग बोलेंगे, कोगुलेशन को क्लॉटिंग भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी कमी से आप लिख सकते हैं डिफिशियंसी से मे बी कॉज डिले ब्लड क्लॉटिंग। तो ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए ब्लड क्लॉटिंग absence of ब्लड क्लॉटिंग, इसकी कमी से होगा। ठीक है, डिफिशियंसी से जो रुधिर है उसका थक्का जमना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, तो कहाँ मिलता है ये, तो कैरेट में मिलता है, टोमेटो में मिलता है, चीज में मिलेगा, कैबेज में मिलेगा और सलाद भरपूर खाइए। सलाद जितना खाएंगे उतने ज़्यादा विटामिन मिलेंगे, उतने ज़्यादा आप ब्यूटीफुल देखेंगे। खास करके गौरव जी आपको बोल रहे हैं, तो आप सैलेड खाइए, सैलेड खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है कि हीमोफीलिया में भी यही होता है। हाँ बिल्कुल गौरव जी, हीमोफीलिया में होता है, लेकिन हीमोफीलिया जो है ना वो एक्स लिंग में आ जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे आपको। वो जो डिजीज़ है वो हेरिटेबल है, तो उसमें हम बताएंगे इसको। रंजना मौर्य, फिटकरी से रक्त रुक जाता है। रंजना जी ये केमिस्ट्री नहीं है, फिटकरी से रक्त रुक नहीं जाता है, आपकी बॉडी में मिलता है। क्या मिलता है, आप जो प्लाज्मा का नाम सुने हैं ये सारे काम क्या कर रहे हैं, यही काम तो करते हैं आपके ब्लड। ब्लड जो होता है उसके पास अपना प्रोटीन होता है जिसकी वजह से थक्का जम जाता है, और साथ में विटामिन तो काम कर ही रहा है। सुप्रिया सिंह मैम, एनीमिया में विटामिन के का क्या रोल है? बिल्कुल विटामिन के का रोल है, क्योंकि जो एनीमिया है, जब तक आपका विटामिन के बॉडी में नहीं है तो ब्लड प्रॉपर जो बन रहा है वो एक लिमिट में फ्लो कैसे करेगा। मतलब अगर क्लॉट जम जाएगा, ब्लड जो है आपकी बॉडी में जम जाता है या नहीं जमेगा, दोनों कंडीशन में आपके बॉडी को नुकसान है ना। अगर चोट लगी है कहीं तो ब्लड ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप एक स्टेज में जा सकते हैं, एनेमिक स्टेज में जा सकते हैं, उसको रिकवर करने में आपको टाइम लगेगा। आपकी बॉडी में अगर कमी है विटामिन के की तो आप एनेमिक हो जाएंगे, तो आपको रिकवर करने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा कि आपकी बॉडी में वापस वैसा ब्लड बन पाए। रंजना मौर्य, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, मैंने बोला था ये टॉपिक खत्म करने के बाद एक क्वेश्चन दूंगी, तो चलिए फिर तैयार हो जाइए। इनमें से कौन सा विटामिन विटामिन सौंदर्य विटामिन है, क्वेश्चन है, विच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, ये आपका इंग्लिश में है, फर्स्ट विटामिन के, सेकंड विटामिन ई, थर्ड विटामिन डी या फोर्थ विटामिन ए। गौरव ई, हाँ हाँ ठीक है गौरव जी, आप एक बार भी भेजेंगे तो मुझे दिखेगा विटामिन ई, ठीक है। अर्चना पांडे विटामिन ई, रंजना विटामिन ई, रामलाल ई, मैम मैंने पहले दिया, बिल्कुल गौरव जी आपने पहले आंसर दिया, गुड वेरी गुड। और एमनी डिसूजा विटामिन ई, आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया विटामिन। आप चलते हैं दूसरे टॉपिक पे अपने, और तब तक आप अगर नए हैं तो फिर लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए ताकि और लोग जुड़ सकें, क्योंकि क्लासेस के मज़ा पढ़ने का और पढ़ाने का तभी आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हों, और बाद में आप लोग से कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम हम सब मिलेंगे कब, तो चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने दीजिए, मीटअप रखा जाएगा जिसमें कि आप सभी को बुलाया जाए, हो सके तो जितने सेलेक्टेड लोग हों उनको बुलाया जाए, हो सके सबको तो नहीं, लेकिन हाँ सेलेक्टेड लोगों को जरूर बुलाया जाएगा। और साथ में अपना क्विज जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, कहाँ,
तो हमारे जो है कि चैनल का ही क्विज डिलाइट एजुकेशन पॉइंट के नाम से टेलीग्राम पे चलता है, तो अंकित सर हमेशा टाइम पे कराते हैं और साथ में जो है कि दो क्विज होते हैं 25-25 क्वेश्चन के और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो एग्ज़ाम हम लोग का यही कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। नहीं गौरव, सबसे पहले हम बोले थे। अच्छा सुप्रिया जी, आप दोनों लड़ लीजिए फिर, ऑप्शन से भी पहले। ये विटामिन ई है ब्रो। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे, जिसमें मैंने बोला था इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में देख लेते हैं, तो विकास यादव, सॉरी ब्रो मैंने देखा नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, आप सभी ने सही आंसर दिया है, इसमें कोई आप लोग आपस में बहस मत करिए, बहुत ही सही जा रहे हैं आप लोग, सारा आंसर दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और साथ में इंटरेस्ट लेके आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ये आप पर डिपेंड कर रहा है। ऋषिकांत ओझा जी, अरे बहुत लेट हैं आप ऋषिकांत जी, कहाँ चले जा रहे हैं? अपने काम वाम को थोड़ा पेंडिंग वेंडिंग काम खत्म कर लिया कीजिए, 8 बजे से हम लोग का क्लास चलता है, तो उसके पहले जितने भी काम होते हैं आप खत्म कर लीजिए, कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा। मैंने क्या बोला कि नॉलेज जो है वो कहीं से मिले आप उसको कलेक्ट करते रहिए। तो चलिए फिर बात करते हैं हम लोग डिजीज की। तो डिजीज में मैंने बोला इन्फेक्शियस डिजीज, मैंने उसको भी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वही आपके इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एक या किसी भी माध्यम से दूसरे को हो सके, चाहे वो आपका कंटामिनेटेड वाटर हो, मतलब कलेक्ट हुआ कहीं का जमा हुआ जल हो, या खराब भोजन हो, या फिर आपका जो है कि आपकी ब्रीथिंग हो, या फिर एयर हो, किसी भी माध्यम से अगर कोई रोग किसी एक से दूसरे में फैलता है उसको हम लोग बोल देते हैं इन्फेक्शियस या फैलने वाला रोग, जिसमें कि आजकल कोरोना भी आ रहा है। कोरोना भी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज ही होता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये इन्फेक्शियस डिजीज आपके कितने हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, थर्ड आपके हो जाएंगे फंगल, और फोर्थ आपका जो होता है हेलमेंथिस। विकास यादव, अरे नो मैम, मैम म्यूट खोल दीजिए ना तेरे। अच्छा बादल पांडे जी, मैं बोलती हूँ अंकित सर से कि म्यूट जो है कि एक्चुअली बादल पांडे जी होता क्या है ना कि अगर म्यूट ओपन कर दिया जाता है तो आप तो सही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थोड़े से होते हैं ना बदमाश टाइप के बच्चे क्लास में, तो वो बच्चे क्या करते हैं कुछ भी भेजने लगते हैं, तो वो होने लगता है, इस वजह से उसको म्यूट किया गया है। और आपके जो है कि जब भी मतलब क्विज कराया जाता है तब ओपन किया जाता है, उस म्यूट को ओपन किया जाता है। फिर भी अगर बादल पांडे जी आपको दिक्कत हो रही है उसमें क्विज वाले में, तो मैं आपको टेलीग्राम का पर्सनल ऐड कर देती हूँ टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप हमेशा मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम, तो आप अपनी दिक्कत को वहाँ पे बता दीजिएगा। मैं बोलती हूँ आज अंकित सर से। देखिए कुछ लोग हैं आपके बीच में, बिल्कुल आपको विकास यादव जी आपको जोड़ दिया जाएगा, पर्सनल अंकित सर को पर्सनल मैसेज आप लोग कर दीजिए। ओके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, फंगल हो जाएगा, फिर प्रोटोजोन्स हो जाएगा, प्रोटो प्रोटो जोनल भी बोल सकते हैं, जोन प्रोटोजोन डिजीज, और उसके बाद आपका हो जाएगा हेलमेंथिस। हेलमेंथिस डिजीज, तो देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु से होने वाले रोग, इसको बोलेंगे विषाणु से होने वाले रोग, इसको बोलते हैं कवक से होने वाले रोग, और इसको बोलते हैं आप प्रोटोजोआ को, भाई प्रोटोजोआ ही बोलेंगे, प्रोटो जोआ से होने वाले रोग, और हेलमेंथिस को बोलते हैं कृमि, ठीक है, कृमि से होने वाले रोग, ये आपकी हिंदी है।
तो सबसे पहले हम लोग आज बैक्टीरियल पे डिस्कशन कर लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज क्या है। रंजना मौर्य जी कुछ कहना चाहती है? रंजना मौर्य जी आप बाय मैम। अरे गौरव जी अभी कैसे बाय, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी कैसे बाय, जो कि अभी तो आप देखना स्टार्ट किए हैं तो ठीक है, थोड़ा सा ये भी हम लोग चलते हैं आगे। तो डिस्कशन कर लेते हैं आज बैक्टीरियल डिजीज का। और इससे पहले जो है कि डिस्कशन के पहले मैं कुछ लोग के कमेंट पढ़ रही हूँ। तो गौरव जी अभी बाय नहीं, अभी क्लासेस स्टार्ट हुए हैं तो आप जो है कि थोड़ी देर और रुकिए, मैं आज अगर ज़्यादा नहीं कर पाई तो बैक्टीरियल और वायरल ख़त्म करके फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उसको छोड़ दूंगी मैम, मुझे रिटर्न वर्क करना है। बिल्कुल ओके ओके गौरव जी, जाइए स्कूल का जो है कि कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। कल से गौरव जो है कि आप पहले से ही अपने पेंडिंग काम को ख़त्म कर लीजिएगा और 8 बजे से जुड़ते रहिए, बाकी भी क्लासेस चलेंगे आपके बहुत जल्द। कल स्कूल जाना है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी स्कूल जाना है। तो स्कूल तो सबको ही जाना है, टीचर हो या स्टूडेंट। चलिए कोई नहीं, आप अपना पेंडिंग वर्क कर लीजिए। अब देखिए बैक्टीरियल डिजीज में क्या होते हैं, कुछ डिजीज बहुत ही फेमस होते हैं जैसे कि अक्सर पूछ दिए जाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड क्या अक्सर ही पूछे जाते हैं, किससे होता है, एक तरफ आप लिख लीजिए। ऐसे चार्ट अगर बनाना है, मैं एक एक करके डिजीज बता रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो एक चार्ट ऐसे बना सकते हैं। कैसे? ये एक तरफ आप डिजीज लिखिए, एक तरफ डिजीज किससे स्प्रेड हो रहा है, किससे फैल रहा है वो लिख लीजिए, यानी फैलने वाले कारक लिखिए, और एक तरफ आप लिख दीजिए जो है कि जीवाणु जिनसे होता है डिजीज। देखिए फैलाने वाला कारक अलग होता है और डिजीज करने वाला कारक अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग बोल देते हैं, टाइफाइड कह लेते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है, ये रोग फैलाता है लेकिन रोग करता है लेकिन रोग फैलाता कौन है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी, इसकी वजह से रोग हो रहा है लेकिन फैलाव कौन रहा है, तो कंटामिनेटेड वाटर, जमा हुआ जल, एक जगह जो कलेक्ट होता है वाटर वही फैला रहा है। तो फैलाने वाली चीज़ अलग होती है और जो है कि आपका डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होता है वो अलग होता है। विकास यादव मैं को स्पेशली जाना है क्योंकि वो तो टीचर है, बेस्ट टीचर बायो की। थैंक यू सो मच विकास। चलिए फिर टाइफाइड के बारे में देख लेते हैं, मैं एक एक करके डिजीज बता रही हूँ, आप ऐसे चार्ट बना के अपना लिख सकते हैं और सिम्टम भी उधर साइड लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं टाइफाइड, और उसको एक चीज और बोलते हैं मियादी बुखार। मियादी बुखार या एक चीज और बहुत जगह बोला जाता है मस्तिष्क ज्वर, लेकिन मियादी बुखार इसको कहते हैं, ये हिंदी नेम है। अब टाइफाइड होता किससे है तो देख लेते हैं, टाइफाइड अगर देखें किससे होता है तो बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। कौन है? साल्मोनेला टाइफी। अब देखिए ये जो मैं लिखती हूँ ये जीनस और स्पीसीज है, ये तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे कि जीनस स्पीसीज जो होता है, जीनस जो होता है वो पहले लिखा जाता है, उसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन स्पीसीज का पहला वर्ड जो होता है वो स्मॉल होता है। तो साल्मोनेला टाइफी हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे साल्मोनेला टाइफी, इससे ये रोग होता है, मतलब ये कौन है, कॉजिंग एजेंट है। अच्छा विकास जी क्या जाने, चलिए ठीक है बादल जी, चलो नेक्स्ट आप देख लेते हैं। अब इससे किससे ये होता है, मतलब इसकी जो स्प्रेड करने वाला, इसको फैलाने वाला कौन है, तो कंटामिनेटेड वाटर है। क्या है? कंटामिनेटेड वाटर। देखिए कंटामिनेटेड का मतलब होता है जमा, एकत्रित, ठीक है, कौन सा, गंदा यानी कि दूषित जल, एकत्रित दूषित जल। दूषित जल मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसी में जो है कि आपका ये
जो है साल्मोनेला टाइफी है वो ग्रो करता है और उसकी वजह से जो है कि रोग हो जाता है। तो ये जो होते हैं ये डिसऑर्डर जो होगा उसमें क्या होगा कि फीवर होगा आपको, ये सिम्टम है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, फीवर होता है, चक्कर आते हैं और जो है कि जो है वीकनेस आपको लगेगा, और इसके अलावा वोमिटिंग भी आती है। तो ये जो है कि ट्रांसमिटेड किसकी वजह से होता है, कंटामिनेटेड वाटर, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाउस फ्लाई भी इसको जो है कि स्प्रेड करते हैं। मैम आप गौरव जी, मैं बोला आई एम 12th क्लास स्टूडेंट। ओके गौरव जी आप 12th के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो है कि ठीक है, मतलब इज्जत देनी चाहिए भाई, बच्चों को भी इज्जत देनी चाहिए, कोई नहीं। मैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सबको इज्जत देनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, जी लगाने से ना हम घट गए ना आप बढ़ गए, सब बराबर है। तो ठीक है, आप जो है कि क्लास में हमारे संग बने हुए हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं, तो थोड़ी इज्जत बनती है आपके लिए। जी नहीं बोलते हैं मैम हमारे यहाँ, अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें सिम्टम जो मैंने बताया है कि फीवर आ जाता है, चक्कर आते हैं, जो है कि वीकनेस फील होगा, तो इसके लिए क्या होता है 21 डेज का कोर्स होता है, दवाएं चलती हैं या फिर इंजेक्शन लगते हैं, तो ये डिजीज़ ठीक हो जाता है। और ये ज़्यादातर फैलता किससे है, तो कंटामिनेटेड वाटर, मतलब आप बाहर का पानी पी लेते हैं जहाँ पे दूषित जल है, तो उसकी वजह से ये जो है कि रोग हो जाता है। और कभी कभी हाउस फ्लाई भी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं, किसको, इस रोग को फैलाने में। तो ये है, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा डिजीज हो जाएगा आपका टिटनेस। टिटनेस इसका भी आप बहुत जो है कि बहुत तारीफ सुने हैं, टिटनेस का ये हुआ, टिटनेस का भी बहुत तारीफ सुने हैं। और ये होता किसकी वजह से, तो कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी, नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस ये बैक्टीरिया है, लिख लीजिए बल्कि कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी। मैंने फिर बोला यहाँ पे कि ये जो कैपिटल है वो जीनस है और जो स्मॉल है वो स्पीसीज है, दोनों के नीचे हम लोग लाइनिंग खींच देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है गौरव जी, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी, हाँ सही है, आपने पढ़ रखा है बायो, बहुत अच्छी बात है। विकास यादव हाँ आप भी सही हैं। तो ये है कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी, और इसमें जो होता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मसल्स पेन, जब टिटनेस होता है तो पूरी बॉडी अकड़ने लगती है, ज़्यादातर मसल्स अकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है कि, और दूसरा जो एक इसका जो सिम्टम होगा वो क्या होगा कि इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं, नेक लॉक जॉ, एक बहुत ही फेमस है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, लॉक जॉ, आपके जो जबड़े होते हैं वो जम से जाते हैं, मतलब आवाज़ नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि विच वन इज कॉल्ड लॉक जॉ। तो आप याद रखिएगा किसको बोलेंगे, टिटनेस को ही बोलते हैं, किसको बोलेंगे, टिटनेस, टिटनेस को ही क्या बोलेंगे, लॉक जॉ भी बोलेंगे। कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी क्या करता है, इसको रोग को करता है। अब ये होता कैसे है, मतलब स्प्रेड कैसे होगा, तो अक्सर ये आप देखते हैं कि जंग लगी चीज़ों से अगर कट फट गया तो हो सकता है, सॉइल से हो सकता है, अगर बच्चे चलते रहते हैं कभी कभी सॉइल में भी इसके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको चोट लगी है और उसमें ये उसके कंसल्ट में आ जाते हैं तो भी ये रोग हो सकता है। तो इसका जो एक फैलाने का रीज़न है वो क्या क्या हो सकता है, कि गंदगी हो सकती है, मतलब किसी भी मेटल को अगर आप रख देते हैं, रस्टिंग ऑफ मेटल आप सुने भी होंगे, तो जो जंग लग जाते हैं तो जंग एक इसका कारण है, वहाँ पे ये डेवलप करने लगता है जो बैक्टीरिया होता है। दूसरी बात, सॉइल में यानी मिट्टी में डेवलप करता है, और तीसरी जो काउ डक्ट या किसी जानवर की जो है होते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, तो उनमें भी ये डेवलप करता है, उनकी वजह से भी ये रोग हो सकता है, कैसे, कटे फटे चीज़ों पर कंसल्ट में आने पर। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो बाकी चीज़ें तो आप सिम्टम वगैरह देख ही लिए हैं, तो मेन जो है इसका कौन है, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी, ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछ देता है। और इसमें होता क्या है, मसल्स पेन, ये भी याद रखिएगा, मसल्स पेन, लॉक जॉ, आपके जो जबड़े होते हैं वो जकड़ से जाते हैं और साथ में मसल्स में पेन होने लगता है।
नेक्स्ट हम डिजीज की बात करते हैं तो कोलरा, कोलरा का भी नाम भाई बहुत है। कोलरा, कोलरा को और क्या बोल सकते हैं आप? तो कोलरा को हम लोग कोलरा ही हिंदी में इसको बोलते हैं कालरा। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कोलरा और हिंदी में बोलेंगे कालरा। तो कालरा या कोलरा एक ही बात है। इस डिजीज में अगर हम बात करते हैं तो इसमें विब्रियो कॉलेरी, ये इसका जो है कि गौरव कोलिस्टेडियम टिटैनी विकास, हाँ बिल्कुल आप लोग सही हैं। और ये शेयर नहीं हो रहा है क्या, मतलब लोग घट से गए हैं? थोड़ा आप शेयर करिए, थोड़े क्या बोलते हैं चैनल पे लोग बने। और तो देखते हैं, अगर हम कॉलरा की बात करते हैं तो विब्रियो कॉलरा, इसका विब्रियो विब्रियो कॉलरी, जो कि हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया विब्रियो कॉलरी। अब इसके अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो कॉलरा में जो होता है कि ये कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड से। फूड कंटामिनेटेड फूड और भी कैसे फैलेगा, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मक्खियाँ जो होती हैं वो कंटामिनेटेड फूड, जो गंदगी मतलब गंदे खाने हैं, सड़े हुए खाने हैं या ख़राब खाना है, उस पर बैठी, उसके बाद वो दूसरे खाने पे बैठी तो उससे भी फैल सकता है। मतलब इसका जो स्प्रेडिंग, जो स्प्रेड करता है, इसको फैलाता है, वो कौन है, हाउस फ्लाई है। और इसके अलावा जो है कंटामिनेटेड फूड है। ठीक है मैम, थंबनेल बहुत बढ़िया है आज, गौरव जी ने पूरा जो है कि कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तारीफ करने का, थैंक यू सो मच। पहली बार यूट्यूब चला रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है, सारी चीज़ें आप ध्यान से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो सिम्टम्स इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, एक्यूट डायरिया, डायरिया मतलब समझ जाए आपको वॉमिटिंग भी होगी, साथ में लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बॉडी से पानी की पूरी कमी होने लगती है, जिसको डायरिया की कंडीशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि कॉलरा में यही स्टार्ट होता है और इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉडी में पानी का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट वाटर जो है कि बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से इंसान की बाकी जो क्रियाकलाप हैं सब नहीं हो पाएंगे, और इंसान की एक कंडीशन ऐसी होती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो होता है कि एक कंडीशन होती है कॉलरा में, कैश ओके सूर्यकांत ओझा, परजीवी प्रोटोजोआ सब पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सब पढ़ाया जाएगा, लाइव है, मतलब कि एक दो दिन चलेंगे लाइव, तो आप तैयार रहिएगा। इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आपको याद भी होता चले, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं बक बक करते रहूँ और आप ना बोलें, तो चीज़ें आप देख सकते हैं बट अपने क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो लाइव इसीलिए रखा गया ताकि आप भी क्वेश्चन पूछें और अपनी बातों को रखें, साथ में समझते हुए चलें ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया की, क्या बात कर लेते हैं, निमोनिया। निमोनिया की बात कर लेते हैं, तो निमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिप्लोकोकस निमोनी, ये सभी जानते होंगे आप लोग। गौरव डिलाइट ट्रैवल पॉइंट कहाँ है, बनारस में है भाई, वाराणसी से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा ट्रैवल एजेंसी भी है जिसका नाम है डिलाइट ट्रैवल एजेंसी, तो उसका नाम आपको सो हो रहा है क्योंकि वहीं पे जो ऊपर एक जो ऊपर कमरा है उसको एज अ स्टूडियो हम लोगों ने बना रखा है यूट्यूब के लिए, और यहाँ नीचे ऑफिस है जिसको डिलाइट ट्रैवल पॉइंट के नाम से है, तो ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, विकास यादव वाराणसी में, बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, तो निमोनिया की, निमोनिया क्या होता है, डिप्लोकोकस निमोनी, क्या नाम है, डिप्लोकोकस, आपका हो जाएगा हाँ डिप्लोकोकस निमोनी,
डिप्लोकोकस निमोनी। अब डिप्लोकोकस निमोनी की अगर हम बात कर देते हैं तो ये क्या है, वो परजीवी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, निमोनिया हो रहा है। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, डिप्लोकोकस निमोनी, इसकी वजह से डायरिया निमोनिया हो रहा है। अब निमोनिया के जो सिम्टम होते हैं, और देखिए निमोनिया होता कैसे, ठंड से होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई निमोनिया जो है कि आपको सर्दी जुकाम पकड़ा और निमोनिया की कंडीशन हो गई। तो निमोनिया का अगर हम देखें तो इस ये जो परजीवी है सबसे पहले आपकी जो है कि नेक रीजन को इफेक्ट करता है, जो आपकी एक गले का आप बोलते हैं तो खराश आनी स्टार्ट होती है, जैसे कि अभी मुझे आ रहा है। तो निमोनिया नहीं है, मुझे क्या हल्की सी सर्दी खांसी सी है। विकास यादव गूगल से पूछिए डायरेक्ट मैम के घर पर जाएंगे। अच्छा विकास यादव बहुत आप तेज हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी जो नेक रीजन है वो इफेक्ट होता है, और उसके बाद आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं। जैसे कि कोरोना में भी क्या हो रहा है, कोरोना में सबसे पहले जो वायरस है वो आपके गले को इफेक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे वो किसको, लंग्स को खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। तो निमोनिया में भी सेम होता है कि आपका जो लंग्स एरिया है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे इफेक्ट होने लगते हैं, और ये ज़्यादातर होता किससे, ठंड से होता है, यानी कि वाटर इसका जो है कि स्प्रेडिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो है कि लेप्रेसी, लेप्रेसी की बात कर देते हैं। अब डिजीज का नाम और डिजीज की जो है कि इससे होता है ये बताते जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो देखिए बात करते हैं लेप्रेसी की। लेप्रोसी इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है। त्वचा से संबंधित रोग है। मैम आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, गौरव जी अगर रूम में अकेले हम हैं तो फिर मास्क लगाने की क्या जरूरत है, मास्क तो तब लगाएंगे जब ढेर सारी कम्युनिटी में अगर हम हैं तो। खैर अभी क्या आप मास्क लगा के क्लास कर रहे हैं। लेप्रसी, लेप्रसी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये डिजीज कॉजिंग एजेंट, मतलब ये डिजीज कॉजिंग जो परजीवी है, जो एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये कॉज करता है क्या आपको, लेप्रेसी कॉज करता है, स्किन से रिलेटेड जो है कि रोग उत्पन्न करता है। कोरोना के प्रैक्टिकल क्या है, पार्टिकल्स एयर में भी होते हैं मैम, कहीं भी आ सकते हैं। कोई नहीं, कोरोना अब हो ही जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं, बट प्रिकॉशन तो लेता ही इंसान। आप डरिए नहीं, कोरोना होगा तो फिर इलाज है, करवाएंगे इलाज, और क्या, डरने वाली कंडीशन, डरा नहीं जाता उससे, फिर काम करना थोड़ी छोड़ देगा कोई। आगे देखते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो डिजीज़ है इसमें होता क्या है कि स्किन पे जगह जगह जो है कि स्किन मतलब आप वाइट होने लगता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक जो है कि नोट टाइप का बन जाएगा, स्कैरी नोट बन जाएगा, यानी स्किन पे जगह जगह से थोड़े स्किन छूटने लगेंगे, और वो कलर जो होगा धीरे 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 फूलता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा होता है कि स्किन जो होती है गल गल के, यानी कि टूट टूट के अलग होने लगती है, जिसकी वजह से लास्ट स्टेज होता है कि इंसान को पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस के बाद इंसान की डेथ हो जाती है लेप्रेसी में। तो ये डिजीज़ जो होता है इसके लिए बहुत सारी दवाएँ बनाई गई हैं जो कि सरकार फ्री में अवेलेबल कराती है। देखिए और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्किन जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वो स्टार्टिंग होती है आपके हाथ और पैर के उंगलियों से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लेग। प्लेग प्लेग अगर हम देखेंगे तो कॉजिंग जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं यस्मानिया पेस्टिस या पास्टोरेला पेस्टिस, दोनों ही नाम बोल सकते हैं, यस्मानिया भी बोल सकते हैं और पास्टोरेला भी बोल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं पास्टोरेला या पेस्टोरेला पेस्टिस। बिल्कुल गौरव जी बिल्कुल, पास्टोरेला पेस्टिस। पास्टोरेला पेस्टिस की अगर बात करते हैं तो ये प्लेग होता है और इसको फैलाने वाला कौन है, तो आप अक्सर सुनते हैं कि चूहे के काटने से प्लेग हो गया। तो ये जो डिजीज होता मतलब ये जो आपके एजेंट हैं, ये जो फैलाने वाले कारक हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो चूहे के लार में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर चूहा कभी काट देता है, चूहा ही नहीं आप गिलहरी भी ले सकते हैं, तो सिर्फ रैट की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, गिलहरी या उनसे रिलेटेड जो भी प्रजातियाँ हैं उनकी ये लार में मिलता है। और जब चूहा या गिलहरी काटते हैं किसी को तो वो जो इसके जो परजीवी हैं वो बॉडी के अंदर इंसान के या किसी एनिमल के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ जाके फिर ये डिजीज़ को कॉज करते हैं। प्लेग में होता क्या है, तो इसमें नोड्यूल मतलब एक गिल्टी टाइप का बन जाता है, गिल्टी टाइप का बन जाता है, उसमें परजीवी इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है कि आपकी कंडीशन जो होता है इरिटेशन आएगा, साथ में फीवर आएगा और धीरे धीरे जो होगा कि इसमें भी पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है और इंसान की डेथ हो सकती है। तो ये हो गया आपका प्लेग। अब आता है ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीबी, और इसका इलाज डॉट्स है। क्या है, हाय से होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ यूनिवर्सिटी फेमस है भाई, तो और कहाँ से करेगा इंसान पढ़ाई। चलिए कोई नहीं, आप जो है कि बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले बालक हैं, क्वेश्चन आपके पास बहुत है गौरव, और सभी को एक बार फिर से तहे दिल से थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए कि आप सभी इतना टाइम अपना देते हैं हम लोग को, ये बहुत ही सराहनीय बात है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात कर लेते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ठीक है, इसके परजीवी का नाम क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो हो जाएगा टीबी कॉज करेगा और इसके लिए एक बचपन में ही आपको वैक्सीन लगती है जिसको बोलते हैं बीसीजी का टीका। तो इसके लिए कौन सा वैक्सीन बचपन में दिया जाता है बच्चों को, वो है आपका बीसीजी। बीसीजी का टीका लगता है ताकि आपको ट्यूबरकुलोसिस ना हो पाए, टीबी ना हो पाए, और अगर हो भी जाता है तो डॉट्स है, डॉट्स पक्के वाल कौन सा एक ऐड देता है टीवी पे। तो ये क्या है, डॉट्स सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा फ्री में उपलब्ध कराया जाता है ताकि देश टीबी रहित हो पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके जो कॉजिंग एजेंट है टीबी ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है वो कहाँ मिलते हैं, तो एयर में भी मिलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है कहाँ, एयर में भी मिलेंगे, यानी ये जो डिजीज है टीबी इज लंग्स डिजीज जो है गौरव, ये टीबी सिर्फ लंग्स से नहीं रिलेटेड है, जो है लंग्स में भी है, साथ में आपके ब्लड ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, और इसके अलावा जो है बोन ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे फॉर्म हैं और आजकल तो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत ट्रेंड में है। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एयरबॉर्न है, मतलब एयर में भी इसके जो है जीवाणु या बैक्टीरिया आप कह सकते हैं मिलता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जिनको ट्यूबरकुलोसिस है वही आपका मास्क यूज़ करें, इसके अलावा दवा सही टाइम पे करें ताकि बाकियों को इससे बचाया जा सके। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस का, और साथ में बीसीजी का जो टीका होता है आपको इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करता है ताकि आपको बिल्कुल जो है गौरव मैं ख़त्म करने वाली हूँ, बस दो चार और दो तीन और बाकी हैं उसको ख़त्म कर दूँ, इम्पोर्टेंट है वो भी।
तो ये जो है कि मतलब एयरबॉर्न है और ये ख़त्म हो जाते हैं, इसमें भी फीवर वगैरह आपके पास आता ही आता है। आप थके नहीं खड़े खड़े, बिल्कुल नहीं, टीचर है भाई स्कूल में और बाकी जगह जो भी है क्लासेस लेते हैं तो टीचर का काम है, अगर नहीं खड़े होंगे तो इफेक्टिव क्लास होगा क्या? मैं अगर चेयर लगा के बैठूंगी तो इफेक्टिव क्लास होगा आपके लिए? आप फिर कहेंगे मैम तो आराम करके पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो अब आ जाते हैं वूपिंग कफ पे। वूपिंग कफ, देखिए वूपिंग कफ को हम बोलते हैं कुकुर खांसी, इसको बोलते हैं कुकुर खांसी, या एक और चीज आप बोल सकते हैं इसको काली खांसी भी बोलते हैं लोग। तो कुकुर खांसी बहुत फेमस है। और एलेक्सा एरिस, ओके नमस्ते एलेक्सा जी। तो कुकुर खांसी में क्या होता है वूपिंग कफ में, इस किसकी वजह से होता है ये देख लीजिए। तो बार्डेटेला, नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन ठीक है, क्या होगा बार्डेटेला, और दूसरा जो स्पीसीज है इसका वो है परट्यूसिस, परट्यूसिस। तो ये डिजीज का कॉजिंग एजेंट है। और कुकुर खांसी या फिर आप बोल सकते हैं वूपिंग कफ में होता क्या है, इसके लिए भी आपको बचपन में ही टीके लगवाए जाते हैं। तो जो बहुत सारी मम्मियाँ लगवाती हैं बच्चों को टीके, वो इसी सब के लिए टीके लगवाए जाते हैं ताकि आपके में एक इम्यूनिटी आए आपकी बॉडी में, जो जो बाकी रोगों से लड़ने के अगेंस्ट, मतलब सॉरी लड़ने के लिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, इसलिए टीके लगवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है वूपिंग कफ। और वूपिंग कफ में क्या होता है कि कुत्ते जैसे बोलते हैं वैसे खांसी आने लगती है, इंसान के गले में हमेशा खराश बनी रहती है, तो इसको वूपिंग कफ बोल देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया देख लेते हैं, छोटा सा है डिप्थीरिया। आप लोग मत थकिए, बाकी मैं तो चलती रहूंगी। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है क्योंकि ये मिल्क से, कंटामिनेटेड मिल्क से होता है, मिल्क में जो होते हैं इसके जीवाणु अक्सर पड़े रहते हैं, इसलिए बच्चों का जो बॉटल होता है उसको हमेशा गर्म पानी से साफ करना चाहिए क्योंकि इसके जीवाणु ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट करते हैं। बड़ों में तो ये कम देखने को मिलता है बट बच्चों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो इसके जो कार्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका नाम हो जाएगा, बैक्टीरियम कार्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरिया। ठीक है, इसका नाम इजी होगा याद करने के लिए, कार्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये इसके जो है कि कॉजिंग एजेंट है, कॉजिंग एजेंट है। और साथ में ये जो मैंने बताया भी कि ये कैसे फैलेगा, कंटामिनेटेड मिल्क से, ज़्यादातर बच्चों में होता है। क्यों बच्चों में होता है? क्योंकि अक्सर बच्चे देखते हैं बॉटल लिए हैं हाथ में, और क्योंकि लापरवाही से होता है और इसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसके ज़्यादातर खतरे 2 से 5 साल में ही होते हैं, ज़्यादातर ये जो होता है वो 2 से 5 साल में इसके खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी उसके बाद थोड़ा आपके में इम्यूनिटी आ जाती है जिससे कि आप अपनी सुरक्षा थोड़ी कर पाते हैं। और ये होता कैसे है, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, कंटामिनेटेड फूड होता है, कंटामिनेटेड जो मिल्क होगा, और साथ में हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई बहुत बड़ा रोल करता है स्प्रेड करने में किसी भी डिजीज को। अब आ जाते हैं जेनाइटल डिजीज, कुछ जेनाइटल डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, दो ही हैं उसको देख लेते हैं, सेफलिस और गोनोरिया। इसके बाद के क्लासेस कल होंगे तो देख लेते हैं। सेफलिस, सिफिलिस, तो सिफिलिस की अगर हम बात करते हैं तो सिफिलिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है और ये जेनाइटल डिजीज़ है, यानी आपके जो क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ये डिजीज़ होता है। इसमें होता किसकी वजह से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक से दूसरे में होगा। और जो है कि इसकी बात करते हैं तो ट्रोपोनेमा, ट्रोपोनेमा पैलीडियम,
पैलिडम, ठीक है, किससे होगा? ट्रोपोनेमा पैलिडम, ये नाम है किसका, जो कि कॉज करता है इस डिजीज को, कॉज करता है इस डिजीज को। अब देखिए ये होता कैसे है, तो ये 10 से 90 दिन में इसके जो इनक्यूबेटिंग पीरियड होता है, इनके बढ़ने का जो पीरियड होता है वो 10 से 90 दिन होता है। इसके बीच में आपको लक्षण जो होते हैं वो दिखने लगते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अपने आप को डेवलप कर जाएगा। तो ये जो डिजीज है वो ट्रोपोनेमा पैलिडम करता है, और इसमें होते क्या हैं, छोटे छोटे रेड दाने निकल आते हैं और धीरे धीरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो काम करना कम कर देता है, काम इन द सेंस कि इनके जो फंक्शन होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और इसमें भी क्या होते हैं, इरिटेशन होगा, साथ में कमजोरी आएगी, वीकनेस होगा, और इंसान की लास्ट में डेथ भी हो सकती है। तो ये सिफिलिस था। एक लास्ट है जिसको देख लेते हैं हम लोग, गोनोरिया। तो गोनोरिया देख लेते हैं, ये भी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया, गोनोरिया जो डिजीज है वो किससे फैलता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो गोनोरिया की अगर बात करते हैं तो नेसेरिया गोनोरी, नेसेरिया गोनोरी, गोनोरी ये होगा इसका कॉजिंग एजेंट। और इसमें भी क्या होते हैं कि चकते पड़ जाते हैं धीरे धीरे इंसान का, जो होता है कि ये डिजीज जो होते हैं, और ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हम देखे बताए हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो बैक्टीरिया वो ग्राम निगेटिव होता है। तो कल बताते हैं कि ग्राम निगेटिव क्या होता है और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। और बाकी लोग जितने लोग भी जुड़े हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए भी थैंक यू। तो मेरे क्लासेस में कल कंटिन्यूटी करते हैं, और ये भी बताते हैं कि बैक्टीरिया जो है ग्राम निगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, वायरल डिजीज़ क्या है, हेलमेंथिस डिजीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।